और लेके प्रभु का नाम शुरू करें आज की पॉडकास्ट। सो मिस्टर पंकज सुखवाल, हाउ आर यू? पिछली पॉडकास्ट जो थी हमने ऑलमोस्ट 70% तक रिकॉर्ड कर ली थी और बीच में ही हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन होप सो इस बार ऐसा नहीं होगा। सो पंकज, इस बार व्हाट वाज द बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब बता क्या हुआ। सो पंकज व्हाट वाज द टॉपिक एंड कौन इंट्रोडक्शन वापस मैं दूं कि तू देना चाहेगा? नहीं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट टू कर ले। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक वो बहुत ही मेरे ख्याल से तो रिलेटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम सब उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो है कोरोना, और दूसरी चीज जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो है वैक्सीन। तो ये दो चीजें जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं इस टाइम पे और आगे जाके और इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज थोड़ा सा वैक्सीन और कोरोना, इन दोनों चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पेंडेमिक, क्यों कोरोना पेंडेमिक है, और कोरोना जैसी काफी उसके जैसे जो डिसीजेज हैं वो उन्हें हमने एपिडेमिक माना, पेंडेमिक नहीं माना, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इम्यून सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले कैसे हैं काम आज। करता है राइट पंकज? इम्यून सिस्टम कैसे काम कैसे करता काम है, करता है, बिल्कुल। क्या है इम्यून सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पंकज, सबसे पहले तो एक काम कर, हमें इंट्रोड्यूस कर दे कि कोरोना वायरस क्या है और उसका नाम जो है कोरोना वायरस वो ऐसा क्यों है, ओरिजिनल नाम क्या है, और फिर जो पुराने जो आउटब्रेक हुए थे 2003 में और जो 2012 में, मेरे ख्याल, आई एम नॉट श्योर, शायद 2012 में जो आउटब्रेक हुए थे वो एपिडेमिक क्यों थे, और ये जो अभी कोरोना वायरस का जो है नया स्ट्रेन नहीं या फिर नया म्यूटेशन, जो भी जो वायरस है इस टाइम पे जो पेंडेमिक चल रही है, उसे हम पेंडेमिक ही क्यों कह रहे हैं, उसे क्यों नहीं एपिडेमिक बोल रहे हैं? तो पहले हम ये टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, आउटब्रेक क्या है। तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक हो गया, ये आउटब्रेक हो गया। तो जब कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन या फिर मतलब कोई भी वायरस जब बहुत तेजी से फैल रहा है तो एक वो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये हम बोलते हैं। अगर वो छोटे से रीजन में है तो उसे हम आउटब्रेक बोलते हैं, और अगर वो थोड़े मतलब एक बड़े लेवल पे है, जैसे कि एक पूरे कंट्री के लेवल पे है, एक कॉन्टिनेंट के लेवल पे है, तो हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में वो पर्टिकुलर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एपिडेमिक। और अगर यही सब इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके पूरे वर्ल्ड वाइड एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसमें कि एक पर्टिकुलर वायरस, जैसे कि हम अभी अगर कोरोना वायरस की बात करें या फिर सार्स कोवी टू की, मतलब वो उसका ओरिजिनल नाम है अभी वाले का, सार्स कोवी टू की बात करें, तो ये एक पेंडेमिक क्यों है, क्योंकि इसने सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बाहर इन्फेक्शन, मतलब इसका इन्फेक्शन फैल चुका है, मतलब ये एक पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए हम इसे पेंडेमिक बोल रहे हैं। ये शायद सारी मतलब स्टडीज ये एपिडेमियोलॉजी में आती है, और WHO डिसाइड करती है कि ये पेंडेमिक होगा एपिडेमिक होगा, कि मतलब उसको नाम, मतलब कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन बोलना है। तो जब कोरोना अपना दिसंबर 2019 में शायद मतलब फैलना चालू हुआ था ज्यादा, बहुत ज्यादा, हम क्या मतलब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में, तो WHO ने टाइम लिया था, लगभग फरवरी या मार्च में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सार्स कोविड टू, कोविड 19 डिजीज, ये एक पेंडेमिक है, अराउंड मार्च, मार्च में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। जनवरी में इसको रजिस्टर किया गया था WHO में, और हम ट्रेसिस के हिसाब से मतलब ये बताते हैं कि 2019 के नवंबर में ये मतलब पहला आदमी से इन्फेक्ट हुआ था कोरोना से, सार्स कोविड टू से। मतलब बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो यही है कि जियोग्राफिकली डिफरेंस है मेन, मतलब कि कौन जियोग्राफिकली ज्यादा स्प्रेड करता है, अगर राइट? तो वर्ल्ड, एपिडेमिक, एक सेकंड मैं तो बोलूंगा कि अगर वर्ल्ड वाइड एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी है, एक से ज्यादा कंट्रीज उसे सफर कर रही हैं, उसे डील कर रही हैं, तो उसे हम पेंडेमिक बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, WHO डिक्लेयर करता है कि एक पेंडेमिक होगा कि एपिडेमिक होगा कि एक आउटब्रेक होगा, मतलब समझ रहा है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं भाई एक चीज जो मैं अभी जो मुझे रियलाइज हुई कि जो ये सारी पेंडेमिक्स है
वो लास्ट टाइम भी इसी पीरियड में ऑलमोस्ट हुई थी कि 1918 या फिर 1920, इसी टाइम पे स्पेनिश फ्लू आई थिंक, राइट। और उससे पहले आइजेक न्यूटन के टाइम पे भी प्लेग आउटब्रेक हुआ था आई गेस, वो भी ऑलमोस्ट इसी ड्यूरेशन में था, 1620s और 1615 से 1625 के रीजन में। मतलब तो तू मतलब ये क्या, कुछ मतलब तो कुछ कुछ रिलेशन निकालना चाह रहा है क्या कि हर हर सौ कोरिलेशन हर एक सदी में, हर 100 साल के बाद मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं, कोई बोलना चाह हमारी अगर ऑडियंस एस्ट्रोलॉजर हो तो हो सकता है भाई कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हो जो बता सकते हैं कि इसकी वजह से ऐसा होता हो। ठीक है, तो मतलब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, अचानक से अभी रियलाइज हुआ कि सारे जो है वो ऑलमोस्ट इसी पीरियड में हुए थे। जैसे कि अगर अपना एक और पेंडेमिक था HIV का 1981 के अराउंड, जबकि बहुत सारे अच्छा, वो मिल पेंडेमिक हाँ क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड वो पूरे में मतलब उसको वो पेंडेमिक बोला गया था क्योंकि बहुत सारे, एक तो मिलियंस में लोग मर रहे थे उससे, अभी भी मर रहे हैं, पर मतलब वो एक पेंडेमिक सिचुएशन थी जो कि आज तक एंड नहीं हुई ना, आज तक सही थोड़ी बात एंड है। नहीं हुई। तो मतलब पेंडेमिक ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे से टाइम में खत्म हो जाएगा, वो बहुत लंबा टाइम भी ले सकता है, पर वो धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। और रिप्रोडक्शन नंबर जो होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं नंबर, वो अगर कम हो जाएगा मतलब कब लोग इन्फेक्ट होंगे, पर वो पेंडेमिक तो एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, जैसे कि 1981 से अभी तक HIV है, एग्जिस्ट करता है और चल रहा है। करेक्ट, वैसे ही बहुत सारे एपिडेमिक्स आए थे अपने मतलब वर्ल्ड में, इन्फ्लुएंजा का था, बहुत सारा, मतलब अभी इबोला का भी मतलब एपिडेमिक ही बोल सकते हैं उसको, इबोला जो 2016 या हाँ 17 वो में हुआ क्योंकि था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और उस रीजन में ही सबसे ज्यादा था वो, राइट, वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में। वेस्ट अफ्रीकन को रीजन फिर वही में। और मंगल, स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ था, फिर बहुत बार कोलेरा का हो चुका है। राइट। तो दूसरी बात पंकज जो मुझे तेरे से जाननी थी वो ये जाननी थी कि इन्हें हम कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नाम हमने इस तरह का कोरोना वायरस जो है वो काफी सारे वायरसेस का नहीं रखा, और जो पिछले दोनों थे उनको भी हम कोरोना वायरस ही बोलते थे लेकिन अलग तरह के। मतलब मुझे थोड़ा फॉग जो है वो क्लियर कर दे जरा कि क्या है देख, कोरोना वायरस। कोरोना ये शायद एक लैटिन उससे आया है, क्राउन के लिए, जो ओके क्राउन का करेक्ट, उनका जो शेप होता है ना, उनपे जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, तो वो एक क्राउन की तरह दिखता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोरोना, मतलब क्राउन के जैसा, शायद एक लैटिन टर्म है ये। सेम जो सन की कोरोना है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से जो सन के जो आउटर रीजन होता है जो हमें रेज निकलती हुई दिखती हैं जो हाँ, जिसको कोरोना बोलते कोरोना हैं, बोलते हैं। तो उसी तरह से थोड़ा बहुत होता है कोरोना वायरस के भी आसपास या फिर बाहर की बाउंड्री में ऐसा कुछ। उसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं ना, जैसे कि एक अगर हम सर्कल में अगर उसको इमेजिन स्पीयर में इमेजिन करें, तो उसके बाहर ऐसे प्रोटीन स्पाइक्स निकले हुए हैं जो कि एक क्राउन शेप देते हैं उसको, क्राउन जैसा दिखता है, ताज मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, क्राउन जैसा दिखता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कोरोना, की जो एक लैटिन टर्म है। और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना है, इसके पहले भी मतलब एपिडेमिक्स आ चुके हैं, जैसे कि 2002-03 के आसपास सबसे पहले सार्स कोरोना वायरस सी वो मतलब सार्स मतलब 2002-2003 में ये सार्स मतलब एपिडेमिक हुआ था, या फिर आउटब्रेक बोल सकते हैं। उसके बाद 2012 और 13 के आसपास मर्स आया था, मर्स आया था। और अब ये इसका एक और म्यूटेंट या वेरिएशन बोल सकते हैं कि SARS-CoV-2, इसका नाम है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2 और डिजीज का नाम है COVID-19 डिजीज। ओके बात समझ रहा है गॉट इट, समझ कि गया। मतलब, और सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम, और कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 मतलब ये एक रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा, मतलब अफेक्ट करता है, और इससे हमें जो डिसीज होता है वो कोरोना COVID-19 डिजीज है। ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस किया, तो पंकज वैक्सीन क्या होता है ये बता दे पहले तू, क्योंकि इस टाइम पे वैक्सीन मतलब हर जगह फैली हुई है कि इंडिया में आ रही है दो वैक्सीन्स, फिर यूएसए में चालू है वैक्सीनेशन, यूके में भी चालू है इस टाइम पे, तो मतलब वैक्सीन होता क्या है पहले तो ये बता दे कि, और क्यों हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ी, और कोई मेडिसिन हमारे पास क्यों नहीं है, या फिर मेडिसिन ही है वैक्सीन, तो थोड़ा बता दे जरा कि क्या है डिफरेंस इन सबके बीच में। सॉरी, देख पहले हम अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा मतलब थोड़ा और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले कोरोना नवंबर
2019 के आसपास वुहान चाइना से ओरिजिनेट हुआ है ऐसा माना जा रहा है। और जब WHO ने भेजे उनके मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे कि मतलब इसका ओरिजिन के बारे में और कुछ देखो कि ये बैट्स और एक और मैं नाम भूल गया हूँ, बैट तो है ही और उसके साथ एक और कोई एनिमल है या फिर मैमल है जिससे कि मतलब रिलेट किया जा रहा है कि वहां से उसका कुछ ओरिजिन से रिलेशन है, तो चाइना की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दोनों में एंटीबॉडीज पाई गई थी, दोनों में बैट और वो जो भी दूसरा मैं नाम भूल गया हूँ, अगर मैं होगा तो यहाँ पे मतलब रिसर्च करके देख लेंगे हम। पर ये और इनको जाने से मना कर दिया, मतलब आने उनको आने नहीं दिया था, चाइना में एंटर नहीं करने दिया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इसका ओरिजिन क्या है कोरोना का। तो अभी तो यही माना जा रहा है कि बैट के थ्रू मतलब ये आया है, बैट में एग्जिस्ट करता था उससे मतलब हमारे में ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, फिर उससे इन्फेक्शन होते होते कंटेजियस बहुत है तो जल्दी जल्दी बढ़ गया, मतलब बहुत जल्दी फैल गया और सही टाइम पे सही मेजर नहीं लिए गए थे इसीलिए वो पेंडेमिक में चेंज हो गया, मतलब सारी सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट फैल चुका है, 190 प्लस कंट्रीज में फैल चुका है कोरोना वायरस। अंडर एस्टिमेट किया था याद है जब इंडिया में आने से पहले भाई कि इंडिया में तो ज्यादा नहीं फैलेगा, बहुत ड्राई कंट्री है और गर्मी का मौसम है तो गर्मी की वजह से वायरस मर जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन का जनता कर्फ्यू हुआ था तो सब बोले थे अरे ये तो वायरस 6 घंटों में खत्म हो जाता है तो चलो सब छुट्टी मिल जाएगी वायरस से बस खत्म हो जाएगा, मतलब कितना लाइटली लिया था यार हम लोगों ने उस टाइम पे, बहुत ज्यादा लाइटली लिया था। और मतलब गलती चाइना की भी बोल सकते हैं हम थोड़ी बहुत कि उन्होंने सही टाइम पे हमको नहीं बताया तो मतलब हमको मतलब WHO को नहीं रिपोर्ट किया तो शायद उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चलो ये सब तो जो हो गया वो हो गया, थोड़ी बात करते हैं हम कि दिसंबर के अराउंड मतलब वहां पे फैलने लग गया था वुहान चाइना में, फिर जनवरी में मतलब WHO ने इसको हाथ में लिया और मार्च में जैसे कि मैंने बताया उसकी उसको पेंडेमिक बोल दिया WHO ने। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग जनवरी के एंडिंग या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में पहले कुछ केसेस देखने को मिले थे है ना, और उसके बाद अपना केरला, आई थिंक केरला में आया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, केरला में केसेस रिपोर्ट किए थे, केरला में काफी अच्छा मतलब मुझे लगा जो उन लोगों ने स्क्रीनिंग वगैरह चालू की थी वो काफी जल्दी उन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी केरला ने, और फिर शायद उन लोगों ने वडोदरा में भी शायद मतलब कुछ पहले गुजरात के केसेस थे कि मैं गलत हूँ कि नहीं गुजरात में बहुत लेट केसेस आए थे, नहीं पर गुजरात में पहला केस मतलब शायद वडोदरा में था, मैं ये बोल रहा हूँ शायद वो आई थिंक वो कंफर्म नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है, वो सस्पेक्ट था कोरोना वायरस का सस्पेक्ट थे लेकिन शायद कंफर्म नहीं हुए थे। अच्छा, क्योंकि उसके बाद मुझे याद है कि गुजरात में जब तक हम लोग के हॉलीडेज डिक्लेयर हुए थे जिस टाइम पे उस टाइम तक गुजरात में एक भी केसेस नहीं रिपोर्ट हुआ था, जब हमारे कॉलेज के जब हॉलीडेज डिक्लेयर हुए थे उस टाइम पे एक भी केस, हम डेट बता देगा अराउंड 17 मार्च 2019 राइट 17 मार्च 2020 और 24 को शायद अपना लॉकडाउन हो गया था, मतलब 22 को जनता कर्फ्यू था और एक दिन बाद फिर हमने 14 दिन का लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ था और वो शायद अपना जून जुलाई में खुला होगा पहला, वो बहुत ही भाई इकोनॉमिक इंपैक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट भी कितने गंदे गंदे हुए भाई इस चीज के, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदे, उस पर भी इंडिया की इकोनॉमी पहले से उस टाइम पे डिप हो रही थी और ऊपर से इतनी बड़ी पेंडेमिक आ गई और हमारा जो कितना कितना एक बड़ा जो सेक्शन है पॉपुलेशन का वो डेली वेज पे डिपेंडेंट है कि आज पैसा कमाया 100-200 रुपया और आज के आज ही वो पैसा खर्च, बड़ा बहुत लोगों ने देखा मजदूरों की हालत तो बहुत बुरी हुई थी। ठीक है, उस पर भी हम आते हैं मतलब बाद में कि इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या थे, मतलब वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ा है इससे। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मतलब यही कि चाइना वाइना से आया है और बहुत जल्दी फैल रहा था, और थोड़ा कुछ इसका बैकग्राउंड देख लें तो मतलब कि 80% के अराउंड लोग अगर उनको कोरोना हो रहा था वो रिकवर हो जाएंगे, कुछ 15% थोड़े बीमार होंगे और कुछ परसेंटेज में थोड़ा मतलब मतलब इतना एक्यूरेट नहीं हूँ मैं, आसपास बता रहा हूँ कि अराउंड 5% को मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, पड़ रही है, और इसका वो ही आर फैक्टर क्या बोलते हैं उसका रिप्रोडक्शन नंबर है अराउंड 2 अगर एवरेज देखे तो, कि मतलब किसी एक को कोरोना हो रहा है तो वो लगभग 2 और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो ये इसका रिप्रोडक्शन नंबर है, आर नॉट फैक्टर अराउंड 2 है, कहीं मतलब जियोग्राफिकल रीजन पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है
कि ये भी कौन सही से बात है। जियोग्राफी में, बहुत सारे फैक्टर्स इसको मतलब वो कर रहे हैं, तो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 2 के अराउंड है। मैं ये कि 1.5 भी कहीं हो सकता है, कहीं 2.5 भी हो सकता है, मैं एक हाँ एवरेज बता रहा हूँ कि अराउंड 2 है, कि जिससे हमें एक आइडिया मिल रहा है। और सही अगर हम बात है। फेटेलिटी रेट की बात करें तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इंडिया की में तो कम ही है, मतलब नंबर तो यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ डेथ्स कम हो रही है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ केसेस, मतलब वो जो रेशियो है वो अपना डेथ का कम है। तो अराउंड अभी बात सही करें तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन केसेस होने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, 98 99 मैंने देखे नहीं हंड्रेड बॉस। मिलियन यानी कि 100 मिलियन यानी कि कितने, आई गेस 10 मिलियन का 1 करोड़ होता दस है, करोड़ नहीं, 10 मिलियन का 1 करोड़ हाँ होता तो है, 100 मिलियन तो यानी दस कि 10 करोड़। करोड 10 करोड़ में से लगभग मेरे हिसाब से 1.8 या 1.9 के आसपास डेथ्स हो चुकी है, 1.9 मिलियन डेथ्स हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर दूसरे भी हैं कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ पर वो किसी और डिजीज से मरे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी, और बहुत सही सारे बात है। लोग की डेथ नोट ही नहीं की गई, मतलब कोरोना हो के वो मर गए, केसेस में नहीं आए, मतलब उनका केस रजिस्टर भी नहीं हुआ उनकी डेथ, मतलब ये एक सिर्फ मतलब एक एवरेज हमने निकाला है कि अराउंड 2 मिलियन लोग, अरे 20 मिलियन की 2 मिलियन में कितने बोला, दो मिलियन, 2 मिलियन, हाँ उतने आई थिंक लोगों टू की, मिलियन अराउंड 2 मिलियन। हाँ उनके हाँ उतने लोगों की डेथ हो चुकी है। थोड़ा रेशियो क्या निकाल लगता है, कर, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तो ना गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो पाई कंट्रोल करने में, और ना ही लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल देखे, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस तो भाई हर जगह पे थी, चाहे वो एजुकेटेड सेक्शन हो या फिर पुअर सेक्शन। और पुअर सेक्शन को तो हम इतना ब्लेम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर उनको खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर भाई उनको क्या ही पड़ी है वायरस की। लेकिन जो एजुकेटेड सेक्शन है, हमने उसमें भी देखा कि कितनी लैक ऑफ अवेयरनेस थी, कितनी ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस थी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस के बाद सूडो इन्फॉर्मेशन हद से ज्यादा फैल रही थी लोगों के बीच में, मिस कि ये कर लो ये मत इन्फॉर्मेशन, करो, मिस इन्फॉर्मेशन, राइट, मिथ्स, फिर क्या इन्फॉर्मेशन। क्या, मतलब हाँ वही मैं स्यूडो इन्फॉर्मेशन बोल सकता, इसको इसको मतलब WHO ने एक कुछ दिया है टर्म, इन्फोडेमिक शायद कुछ पेंडेमिक जैसा, इन्फोडेमिक मैंने कहीं पढ़ा है कि इन्फोडेमिक जैसा, कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो एक बहुत गंदे लेवल पे फैल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो एक बहुत गंदे लेवल पे अपना प्रोपोगंडा फैला रही है व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स होते हैं, और ये अभी जो व्हाट्सएप और सिग्नल का वो भी उस पर थोड़ी बात करेंगे हम। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ ऑलमोस्ट 100 मिलियन केसेस हो चुके हैं और उसमें से 2 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब कितने, 2% मतलब फेटेलिटी रेट दो ऑलमोस्ट। परसेंट के आसपास है, मतलब अपने यहाँ 2% से 4% के बीच में शायद, अपने यहाँ थोड़ा कम है डेथ रेशियो कि कम लोग मर रहे हैं अभी। इसके मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हम यहाँ से नहीं बता सकते कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, ये है वो है, मैं मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और मैंने ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं की है कि क्यों ऐसा है अपने यहाँ की डेथ रेशियो कम है। और इसी पे मोदी जी बोल रहे थे ना, प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि अपने यहाँ ये कम है, पर ये वो नहीं देख रहे ना कि केसेस कितने ज्यादा है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलूँ मैं अब, इसको क्रिटिसाइज करना भी पता नहीं इस टाइम पे सही है कि नहीं है, कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं हमारी बहुत ही ओपनली कॉन्फिडेंटली ग्रेट चीजें बोल देते हैं, मतलब जिसके पीछे हमें प्रॉपर ना कोई एविडेंस है बैक करने के लिए उस चीज को, मतलब वो मिस कुछ सोचते नहीं है कि उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, कि लोग उनमें कितनी आसानी से बिलीव करने लग जाते हैं, कितनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो, इसी लेकिन इसी फिर भी हाँ एक सेकंड में कुछ थोड़े, सॉरी तुझे काट रहा हूँ, कि यहीं पे अगर हम थोड़ा और, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इकोनॉमी को रोक दो या फिर मतलब फिर से लॉकडाउन कर दो, ये नहीं बोल रहा, पर इसी को हम अलग तरीके से यूज करके ये लोगों को बता के कि ये इतने लोग इससे ऑलरेडी मर चुके हैं, अगर मैं बोलूँ कि 2 मिलियन 20 लाख लोग पूरी दुनिया में मर चुके, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा लोगों के दिमाग पे, कि वो थोड़े मतलब ज्यादा प्रिकॉशंस लेंगे, ज्यादा कॉशियस रहेंगे। अभी तो इंडिया में तो हर कोई मूव ऑन कर चुका है, क्या है भाई कोरोना, कुछ नहीं है ऐसे करके, सही है कि नहीं भाई, कोई और नहीं डर रहा कोरोना जब से। से वैक्सीन की न्यूज आई है उसके बाद से तो भाई फिर तो आई थिंक हम वापस 2019 में पहुंच गए हैं, कि किसी को हाँ ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है और कोरोना नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऑलमोस्ट हर जगह पे। भाई ट्रैफिक देख रहा है अपने यहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक, तो ठीक है, लेकिन अगर तू किसी नॉर्मल बस में चढ़ जाए तो वापस वही सेम सिचुएशन जो पहले होती चढ़ क्या थी। जाए, मैं अभी 2 दिन पहले जाके आया ना भाई,
तो मैं जब आया था तो बस में खड़े रहने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक भरी हुई थी अंदर, मतलब वही खड़े भाई, रहने कि की मतलब जगह नहीं। ये जो हमारे जो पिछले 50-60 साल के जो पूरे फेलियर्स हैं, वो सारे मिलके इस पेंडेमिक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। ना ही हमारी करंट गवर्नमेंट हैंडल कर पाई, और ना जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनने जो बुरे बुरे कांड किए, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सबके फेलियर्स सामने आए एक एक करके। भाई सबके फेलियर सामने आए हैं। करेंट गवर्नमेंट के फेलियर भी और पिछली गवर्नमेंट के फेलियर भी, सबके फेलियर सामने आए हैं भाई। कितने सारे तो यहाँ, मतलब हमारे पास डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, कितने काफी जगह पे है। पीपीई किट्स बहुत कम थी ठीक है, ये तो खैर पहले, इंडिया में क्या बोल रहे हैं, ये तो खैर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बातें चली थी ना भाई कि यही पीपीई किट्स और इनके बारे में। क्या और क्या चल रहा था अपना, यही कि डॉक्टर को ये सब नहीं मिल रहा, वो खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने डॉक्टर की और हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हो चुकी है कोरोना से। फिर उसी लेवल पे और मिथ भी उसके बाद फैल रहे फिर थे कि उन्हें वाइब्रेशन क्रिएट करो, इसका धुआं करो, लहसुन खा लो तो कोरोना नहीं होगा, मतलब कितने सारे मिथ्स फैल रहे थे अलग ही लेवल पे। सुन के मैं मुझे डिप्रेसिंग फील होता कि हम कहाँ जी रहे हैं भाई। ये मिथ्स असाइड, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि भाई अगर हम किसी तरह से अपनी जो इम्यूनिटी है उसको अगर हम स्ट्रांग रखें, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के। हाँ मतलब ये एक अटेम्प्ट सबका रहना ही चाहिए कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी जो है उसको ऊपर लेके जाएं, कैसे उसको स्ट्रांग कर सकें। हेल्दी तो सबको रहना है, पर देख जैसे कि वो कोरोनिल बेच रहे थे एज अ क्योर, अभी कोरोनिल कोई मतलब गारंटी नहीं देती, वो तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी नहीं करेगी वो अपना मैटर ही नहीं है, पर अगर वो इम्यूनिटी बूस्टर है तो वो कोई गारंटी नहीं देती कि तुझे कोरोना पहली बार तो नहीं होगा। करेक्ट, होगा ही ना भाई, इम्यूनिटी मतलब समझ रहा है, कोरोना तो होगा ही तुझे ना, हाँ, बात समझ रहा है, वो वैक्सीन थोड़ी है, वो वायरस तो दवाई अंदर थोड़ी एंटर हो है। गई, हाँ वायरस तो एंटर हो मतलब गई वो अंदर। कोई गारंटी नहीं देते कि तुम कोरोना से बचोगे ही। हाँ ये है कि मतलब अगर इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है कुछ भी है तो मतलब बाद में जो भी इनडायरेक्टली वो काम कर रहा है वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, पर वो क्योर नहीं था भाई जिस हिसाब से उसकी मार्केटिंग की गई थी। सही है बहुत बड़ी ना, दिक्कत है भाई इंडिया में, बहुत बड़ी दिक्कत है इस टाइम पे। और सबसे जो घटिया बात थी ना उस चीज की, कोरोनिल की, कि फियर ड्रिवन मार्केटिंग थी भाई, कि हाँ लोगों में डर पैदा करके और फिर उस चीज की मार्केटिंग की, देखो हम जो है सबसे पहले। फिर भाई दूसरी चीज की, इंडिया का नाम खराब किया, हुआ कि नहीं भाई, इंडिया का नाम, इनडायरेक्टली इंडिया का नाम ही खराब हुआ ना, कि देखो भाई ये इंडिया के जो बाबा है एक आ गए और अपने बाबा से दवाई बेच रहे हैं, और और पता तो चला कि कुछ एक क्लेम्स हैं ही नहीं उनके, तो मतलब ये खुद इमेज जो है वो पूरी इंडिया की खराब होती है उनके साथ साथ। खुद आयुर्वेद की इमेज पे फर्क पड़ा भाई उससे। वही जो हमारी एंशियंट, जो हमारी एंशियंट मेडिसिन, जो पूरी टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है भाई, उस पे उसका पूरा नाम खराब कर दिया भाई, सही में। ठीक है, ठीक चल है, फिर तो आगे अब जो हम बात करेंगे वो वैक्सीन के बारे में करते हैं, थोड़ी बातचीत, राइट। वैक्सीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब ग्राउंड वर्क नॉलेज, ग्राउंड बेसिक नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। उनको पता होना चाहिए कि वो किस क्या ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर और वो कैसे काम करेगा, वो कैसे प्रिवेंट करेगा कि तुम्हें कोरोना ना हो, समझ रहा है मेरी बात को। तो लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन एक दवाई होती है, मतलब वैक्सीन एक दवाई है पर वो डिजीज प्रिवेंट करती है, वो ट्रीट नहीं करती, तो ये डिफरेंस होता है। तो मतलब कई डिफरेंट टाइप की मतलब हम दवाई बोल सकते हैं, एक दवाई है जब हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद हम दवाई लेते हैं जो उस डिजीज को ट्रीट करती है, और एक ये वैक्सीन है जो कि हम पहले से ले लेते हैं ताकि हमें वो डिजीज हो ही ना, बात समझ रहा है। तो वो एक अलग दवाई है और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोरोना हो गया फिर तुमने वैक्सीन ले ली तो तुम कोरोना से ठीक हो जाओगे, नहीं, ये दवाई नहीं है, मतलब वैसी दवाई नहीं है, उस टाइप की दवाई नहीं है कि ये डिजीज ट्रीट कर रही है, ये दवाई ये डिजीज को प्रिवेंट करेगी, ये तुम्हें होने से रोकेगी कोरोना वायरस। इसको हम कोई भी मतलब कोई भी अगर डिजीज को वो होने से रोक रही है दवाई तो उसको हम वैक्सीन बोलते हैं, और अगर वो अगर मतलब डिजीज होने के बाद ट्रीट करती है तो उसे हम ड्रग बोलते हैं, या फिर जो भी थेरापोटिक ड्रग या फिर मेडिकेशन बोलते हैं, लूज टर्म में यूज करते हैं, मेडिसिन जो भी बोलते हैं हम, तो मतलब वो बेसिकली वैक्सीन एक ऐसी चीज है कि वैक्सीन क्या करेगी कि
उस वायरस को आने से मतलब रोकेगी, रोकेगी इन द सेंस हाँ, कि वो प्रिवेंट करेगी, इससे एक अच्छा हम तरह से ऐसे ये कह बोलते, सकते देख हैं। हम डिजीज को मेन मानते हाँ हैं, हमें एक बार एक में डिजीज हो चुका है और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉर्मल मेडिसिन मेडिकेशन जो भी है वो है, और एक में डिजीज होने से पहले ही हम दवाई ले रहे हैं जिससे कि वो डिजीज होगा ही नहीं, बात समझ रहा है? तो ये प्रिवेंट प्रिवेंट करेगी, मतलब वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करेगी तुम्हें कोरोना होने से, और इसी को हम बोलते हैं वैक्सीन, इसलिए इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एक ऐसा मतलब समझ ऐसा गया। ड्रग जो कि तुम्हारे अंदर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके रेडी कर देगा जब वो ओरिजिनल में वायरस आ रहा है, तो उसको मारने के लिए तुम रेडी बेटर रहोगे। तो एक बार एक्सप्लेन कर दे फिर कि वैक्सीन जो है वो काम किस तरह से करती है, क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, प्रिवेंट करती है ना किसी भी डिजीज को, हाँ, अब वो तो किस कैसे तरह से करती है ये बता दे। कैसे प्रिवेंट करती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बढ़िया है अपना इम्यून सिस्टम। पहली बात तो ये हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, कॉम्प्लेक्स जितना तुम जी भाई, उसको समझोगे उतने ही फैसिनेटिंग मतलब चीजें तुम्हें पता चलेगी, उतना ही इंटरेस्टिंग तुम्हारी बॉडी होते जाएगी। और इम्यून सिस्टम एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मतलब ब्यूटीफुल टॉपिक बोल सकता है तू उसे, क्योंकि मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैं तुझे पता है कि पिछले 3-4 सालों से भले ही मैं केमिस्ट्री में हूं, मैंने इतना ज्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, मुझे सिर्फ बेसिक नॉलेज है इम्यूनिटी का कि इम्यून सिस्टम है क्या, पर जितना मुझे पता है वो भी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कौन से लेवल पे अपनी बॉडी काम कर रही है और कौन से लेवल पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या मतलब कौन कितना एडवांसमेंट है। मुझे ये जो गैप है ना कि लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, मतलब यही बोल सकता हूँ कि नॉलेज मतलब उनके उनको पता ही नहीं है कि वैक्सीन किस लेवल पे काम कर रही है, दवाइयां किस लेवल पे काम कर रही है, किस लेवल पे अपनी सेल मेडिएटेड मतलब सेल के अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास क्रिस्पर भी है, जीन एडिटिंग है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों के बीच का ब्रिज बने, इसलिए हम अपनी कन्वर्जेशन ज्यादातर हिंदी में और लेमेन टर्म्स में ही यूज कर रहे हैं, मतलब लेमेन को समझ में आए वैसे ही बातें कर रहे हैं एकदम नॉर्मल सी, ताकि हम एक ब्रिज बन पाए उनके बीच में, कि जिनके पास बिल्कुल नॉलेज है नहीं है इस चीज का, जो भी हम कहाँ पे कहाँ अपनी 21st सेंचुरी में हम कहाँ क्या क्या चल रहा है, कहाँ जीन एडिटिंग हो रही है, कहाँ वैक्सीनें बन रही हैं, उन दोनों को हम ब्रिज बन के उस मतलब गैप को पूरा कर सकते हैं किसी हद तक, मतलब बहुत सारे जो मीडिया वीडिया है उनसे तो हम अच्छा ही कर सकते हैं मतलब। तो इसीलिए हाँ, मैं क्या समझा रहा था कि यही कि वैक्सीन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पेसिफिक चीज को ट्रिगर करती है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और मोर प्रिसाइजली बोलू तो एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसको हम ट्रिगर करते हैं वैक्सीन के थ्रू। अभी थोड़ा इम्यून सिस्टम ठीक में समझा है। देता हूँ कि हम अपनी बॉडी को एक सिटी की तरह मान सकते हैं, मैं एक छोटी सी एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूँ अभी, जस्ट नाउ क्रिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ी इसमें मतलब इनएक्यूरेसी हो सकती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ पहले से, कि अगर हम अपनी बॉडी को सिटी की तरह मान ले, तो सिटी में एक गवर्नमेंट होती है जो कि सब मतलब सब सबको संभालती है, तो वो अपना हो गया नर्वस सिस्टम, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर होता है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने पास ब्लड है, हार्ट है, जो कि मतलब सब ट्रांसपोर्ट करेगा, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब यहाँ से जब लंग से मतलब अपना ऑक्सीजन एल्वोलिया एल्वोल मतलब वहां से जब हाँ वही बोल नहीं पाया सॉरी, तो वहां से जब ऑक्सीजन उसको पूरे बॉडी में हर सेल को ट्रांसफर करना, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैसे ही अपना मतलब ड्रेन सिस्टम की तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अपनी किडनीज फिल्टर कर रही है, फीकस बाहर आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो मतलब टॉक्सिन्स को हम बाहर फेंक रहे हैं, बिना काम की चीजों को हम बाहर फेंक रहे हैं। वैसे ही अपना मिलिट्री सिस्टम है, जैसे सिटी में मिलिट्री सिस्टम होता है, वैसे ही अपना है वो इम्यूनिटी सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून राइट? सिस्टम, तो इम्यून सही सिस्टम बात है। एक हाँ, तो वो अपना प्रोटेक्शन है मतलब एक टाइप का। तो अपना अगर हम बेसिक्स पे जाए पूरा मतलब लाइफ का मीनिंग क्या है, जो कि बहुत टफ है मतलब बताना, पर मेरे हिसाब से जैसे हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं इस टाइम पे, 20 साल के बच्चे हैं हम, और हम दुनिया को कैसे समझते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है, सर्वाइवल, यही है मेन पर्पस, सर्वाइवल है, हमको जीना जिंदा रहना है कैसे भी करके। तो हम एक तो सही बात है बिल्कुल। रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हम अपने जीन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक तरह से हम जिंदा रह रहे हैं,
और दूसरा है कि हम खुद कैसे जिंदा रहें। तो हमको खुद को जिंदा रखने के लिए हमको बाहर वालों से लड़ते रहना पड़ेगा, एनवायरमेंट से कुछ लड़ता है, मतलब पैथोजन से लड़ना है, ये सब कैसे भी करके जिंदा रहना है, और जिंदा रखने का काम हमारी इम्यूनिटी करती है। तो इम्यूनिटी कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है। पहली बात तो ये मैं बोलूंगा कि बहुत इजीली समझ नहीं आती ये जो भी इम्यूनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको सिंपल टर्म्स में इतना मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, पर मैं जितना हो सके उतना तोड़ूंगा। इसमें थोड़ी इनएक्यूरेसी आ सकती है कहीं पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है, पहले हम क्या करते हैं, हम सिटी में किसी टेररिस्ट, तुझे तेरे पास कोई अच्छा वर्ड है क्या टेररिस्ट के अलावा? हाँ चल टेररिस्ट ही मान लेते हैं, सही है ना? ठीक है, और ये एक हाइपोथेटिकल सिटी है, इसमें मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, ये पहली पहली बात मैं रख रहा हूँ कि थोड़े बहुत एनालॉजी के लिए एक हाइपोथेटिकल सिटी में हम हैं जिसका नाम है ह्यूमन, मतलब जो भी तुझे देना है, मतलब कोई भी नाम दे दे, और वो सिटी में रह रहे हैं, तो इसमें थोड़े हम चेंजेस करते रहेंगे और इस अच्छे से एक एनालॉजी बनाते हैं, अभी क्रिएट करते हैं कि पहले तो हम किसी टेररिस्ट को सिटी में एंटर होने ही ना दे, और एंटर नहीं होने देने के लिए हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सकते हैं, एक बॉर्डर बना सकते हैं। तो वही बॉर्डर अपनी बॉडी में भी होता है, या फिर दीवार होती है, वो है अपनी स्किन, कि जो भी बाहर वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन है, तो उसको हम एंटर ही नहीं होने देंगे। कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोब है तो उसको हम एंटर ही नहीं होने देंगे। तो पहला तो हमारी दीवार ही आ गई ना बीच में, कि लड़ने से पहले, सोल्जर्स को मारने से पहले, क्योंकि लड़ाई होगी तो अपने भी तो सोल्जर्स मरेंगे, अपना भी तो नुकसान होगा, तो इससे पहले हम एंटर ही ना होने दें। तो सबसे पहला अपनी आती है एक प्रोटेक्टिव वॉल। अच्छा मेरा थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल था, अब सही है, आवाज आ रही है? आ रही है, आप सही है। अरे ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा वापिस थोड़ा बता देता हूँ कि हम एंट्री नहीं होने देंगे, और जो वो दीवार जो हम बनाते हैं अपनी सिटी के आसपास, सॉरी, वो है अपनी स्किन, जो कि सबसे पहला अपना इम्यूनिटी का एक पार्ट बोल सकते हैं, हाँ कि फेंस है, हाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, कि सबसे आगे यही खड़े रहते हैं कि हम पहले फॉरेन बॉडी को एंटर ही नहीं होने देंगे, तो हमें लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जब तक लड़ाई अवॉइड हो सके हम तब तक लड़ाई अवॉइड करना चाहेंगे ना भाई, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो अपना भी तो नुकसान होगा ना, अपने भी कुछ सोल्जर्स मरेंगे, अपने अपने हमको भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो यही तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इसमें और भी कुछ होता है, जैसे कि अभी तू पूरा तो दीवार से कवर नहीं कर सकता अपनी सिटी को, कहीं से तुझे रूट्स खुले रखने पड़ेंगे कि जहां से चीजें बाहर आ सके, अंदर मतलब बाहर जा सके, अंदर आ सके। तो वही अपना नाक, आंख, मुंह, ये सब है, तो यहाँ पे भी हमको कुछ और प्रोटेक्शन चाहिए। तो जहां जहां पे अपना ये सारी सुरंगें हैं, कोई भी सामान आगे जहां जहां करने के लिए सारी सुरंगें हैं, जहां जहां सुरंगें हैं हमने वहां एक लेयर ऐड कर दिया, कि वहां हमने एक पानी का वो बना दिया, समझ ले ऐसा पानी या फिर कोई चिकना ऐसा कोई जेल लाइक सब्सटेंस हमने वहां रख दिया, कि कोई भी टेररिस्ट चल के आ रहा है वहां आ रहा है तो उसमें चिपक जाएगा। तारे बिछा दिए या फिर जेली वाली तारे बिछा दिए, ऐसा कुछ भी एनालॉजी ले ले, कि जब तो वो हम इसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, जो कि अपने नॉस्टिल्स में प्रेजेंट होता है। नॉस्टिल्स क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, कि तो म्यूकस में क्या होगा कि कोई भी डेब्रीज का पार्टिकल है या फिर वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वहां पे जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है वहां पे वो स्टिक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, समझ रहा है? तो ये अपना मतलब ये भी अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ ना, कि जहां से मतलब रास्ता खुला है वहां से आ रहा है तो वो वहां ट्रैप हो जाएगा और उसको हम बाहर फेंक देते हैं। जिससे उसकी याद आ गई कि जो पुराने जो राजा महाराजा होते थे उनके महल के चारों ओर वो पानी का घेराव बना देते थे, पानी भरा रहता था, और उसमें क्रोकोडाइल डाल देते थे। बस वैसे ही बोलते हैं, क्रोकोडाइल डाल देते थे उसमें, इसमें क्रोकोडाइल भी होता है। ठीक है, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी रिलीज होते हैं। जो तू क्रोकोडाइल वाली बात कर रहा है उससे मुझे याद आया कि वो ही सिस्टम है भाई, कि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि सिक्रेट होते हैं, जो कि इनको मार देते हैं वहीं पे। तो ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो। अगर थोड़ी और मैं बात एलिबरेट करूँ तो कानों में अपना जैसे कि ईयरवैक्स हो गया, अगर मुंह से कोई एंटर हो रहा है तो पेट में अपना स्टमक में एसिड होता है, जो कि बहुत कम पीएच पे होता है, ऑलमोस्ट 2-3 पीएच होता है उसका, बहुत एसिडिक होता है, तो वहां पे
वो जो भी जितना माइक्रोब, कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक होता है कोई भी एसिड, है तो वही कि कोई भी ना? माइक्रोब अगर बच के जा रहा है और वहां जा रहा है तो वहां मर जाएगा, मतलब ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर आता है अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट किसे बोलते हैं कि जो इनबॉर्न है, हमारे पास पहले से है, जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से वो इम्यूनिटी अपने पास प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, तो लेट सपोज कि पहला बैरियर पार करके कोई पैथोजन है। अब मैं थोड़ा मतलब पैथोजन बोल रहा हूँ, माइक्रोब से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ कि माइक्रोब्स अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, पर पैथोजन हमारे लिए स्पेसिफिकली खराब ही होगा जो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, पैथोजन तो समझ गया तुम्हें, इसको पैथोजन को डिफाइन कर दिया। और पैथोजन के साथ ही मैं एक और टर्म यूज करूंगा, एंटीजन। तो मुझे इनके तो बीच ये जो पैथोजन ज्यादा, है वो हमारी सिटी के टेररिस्ट हैं बेसिकली, राइट? हाँ टेररिस्ट है, पैथोजन टेररिस्ट है। हर कोई बाहर से आ रहा है वो हमारे लिए खराब नहीं है, कुछ चीजें अपने लिए अच्छी भी होती हैं, अपने अपने फायदे के लिए भी होती हैं। तो हर हर किसी को हम नहीं मारेंगे, जो हमारी बॉडी के लिए काम के उनको हम बचा के रखेंगे, जो टेररिस्ट है उनको ठोक देंगे। अब ठोकने का काम अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी की, बात करते हैं कि इननेट इम्यूनिटी का क्या होती है। तो अगर कोई पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर हो चुका है, कोई टेररिस्ट अपनी सिटी में आ चुका है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसको स्पेसिफिकली नहीं कि ये मतलब कोई भी टेररिस्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, उसको हमको सीधा जाके मारना है। अब ये अपनी एक हाइपोथेटिकल सिटी है, तो इसमें हमको एक हाइपोथेसिस मतलब एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, ये जो टेररिस्ट होते हैं ये ऑटोमेटिक उसमें रेप्लीकेट करने की ताकत होती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि आई थिंक ये, मेरा इंटरनेट हाँ मैं कहा था इननेट इम्यूनिटी पे। तो जो भी पैथोजन या टेररिस्ट आ रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो टेररिस्ट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, मतलब स्पेसिफिकली कोई एक के लिए नहीं है, वो कोई भी अगर पैथोजन आ रहा है तो उसके लिए सेम तरह से काम करेगी, इसलिए हम बोलते हैं। और अभी हमको एक चीज यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी कि हमारा जो भी टेररिस्ट घुस रहा है ना बॉडी में, मतलब सिटी में आ रहा है ना, तो उस सिटी में आने के बाद उसके पास ऐसी सुपर पावर है कि वो अपने आप को रेप्लीकेट कर पाएगा। मतलब जैसे ही अपने किसी एक सिटी के घर को, या फिर सिटी के कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छी एनालॉजी ढूंढते हैं कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एक सिटी में घर ले ले कोई भी एक, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे अगर घर सही नहीं बैठ रहा है तो। सिटी में एक घर का वो कंट्रोल ले लेगा और उस घर में जाके वो अपने आप की कॉपीज बनाना चालू कर देगा, उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है, समझ रहा है? 1 से 2, 2 के 4, चार के ज़ॉम्बी 16, हाँ तुझे जो बोलना है बोल दे, एनालॉजी जो देनी है दे दे। वो किसी एक घर का कंट्रोल ले लेगा और वो अपने आप को रेप्लीकेट करने लग जाएगा, अपने आप की कॉपीज बनाने लग जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने ये इननेट इम्यूनिटी के सारे सेल्स। अब ये सारे काम करेंगे, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें मास्ट सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं जो कि कचरा खाते हैं, मतलब फैगो मतलब ईटिंग होता है, फिर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इनका मैं सबका एक थोड़ा 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 काम बता देता हूँ कि जो इसमें कुछ न्यूट्रोफिल्स होंगे, और ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी बात तू सुन ले कि ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। WBC को हम हमेशा इम्यूनिटी के साथ रिलेट करते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल के बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में आता है इननेट इम्यूनिटी में, इननेट इम्यूनिटी के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं। ये मैंने पहले क्लियर नहीं किया कि तीन अपने लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहला मैंने जो फिजिकल बैरियर बताया वो है दीवारें हैं जो कि अंदर ही मत आने दो। दूसरा अपने पास है इननेट इम्यूनिटी जो कि कोई भी टेररिस्ट आ रहा है सबको एक जैसे ट्रीट करेगी। और तीसरी अपने पास जो होती है वो एक्वायर्ड होती है, या फिर उसको तू बोल सकता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव के होते हैं लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट, उसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। पहले हम इननेट की बात करें, तो इननेट के कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर काम करते हैं। अब इनका काम क्या है वो समझते हैं। कुछ होंगे जो कि उस टेररिस्ट को पूरा खा जाएंगे, कुछ होंगे जो न्यूज फैलाएंगे पूरी सिटी में कि अपने यहाँ कोई टेररिस्ट आ चुका है, सिग्नल्स भेजेंगे, समझ रहा है? कुछ होंगे जो कोई घर, अगर कोई घर है अपना जो कि वो हो चुका है, क्या बोलते हैं,
घर जो अपना घर का जिस वायरस ने कंट्रोल ले लिया है, मतलब उसके लिए भी कुछ काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे टी हेल्पर सेल। अभी मैं इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हूँ कि टी हेल्पर सेल दोनों में काम करता है कि नहीं, एडेप्टिव इननेट में, पर ये शायद थोड़ा बहुत काम करता है कि ये मतलब कुछ ना कुछ अपना सिग्नल भेजेगा। मतलब इसको हम बोलते हैं कि इंटरल्यूकिन बोलते हैं, कि ये ल्यूकोसाइट के बीच में जो बातें होती हैं, सिग्नल जो भी भेजे जाते हैं। तो मैं सुपरफिशियल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि इननेट इम्यूनिटी ऐसे काम करती है कि कोई भी आ रहा है उसको मार डालो, खा जाओ सीधा। अभी कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया कि इनकी रेप्लीकेट करने की प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है, जब तक अपनी इम्यूनिटी काम कर पाए इननेट इम्यूनिटी, उससे पहले इनकी बहुत सारी कॉपीज बन चुकी होती है, ये बहुत सारे घरों पे ऑलरेडी कंट्रोल ले चुके होते हैं। तो तब अपने बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आती है और तब अपने जो अपनी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो आती है मतलब एक्शन में। उसमें क्या होता है कि अपना जो अपने जो सेल्स होंगे, अपने जो मिलिट्री के सोल्जर्स होंगे, वो पहले पता करेंगे कि ये कौन से ग्रुप का कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या बोलते हैं टेररिस्ट है। ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा, थोड़ा बोरिंग हो गया? नहीं नहीं ठीक है बोल, क्योंकि मेरा नेट सही नहीं है इसलिए मुझे नेट थोड़े सही से गड़बड़ है, नेट काफी गड़बड़ है। थोड़ा गड़बड़ है, मेरा भी हो सकता है शायद कि तेरा है, देख ले एक मिनट। पता नहीं यार, पता नहीं चल रहा इसलिए बीच बीच में मेरे में लिख के तो आ रहा है बीच बीच में कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो मेरा ही होगा भाई। तो भाई तेरा ही कुछ कर, स्टेबल कर। डीएनए तो भी जब वापस कॉपी करते हैं उस टाइम पे भी ये होता है ना भाई, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है ना भाई, कुछ मिस्टेक्स गलतियां तो हो जाती होती हैं हैं, कुछ डीएनए में। गलतियां होती हैं। चल ठीक है, ये पार्ट नहीं काटूंगा, थोड़ा मतलब थोड़ा इंटरप्शन के लिए सॉरी। अब मैं फटाफट थोड़ा सा एक छोटा सा समरी दे देता हूँ वापस इम्यून सिस्टम का, कि सबसे पहले अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो फेल हो गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, वो फेल हो गया तो अपना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। पहले का हमने बोला है फिजिकल बैरियर बोल सकते हैं, कोई भी पहला बैरियर बोल दो उसको। सेकेंड को हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। मैं बहुत ज्यादा फिर से एनालॉजी नहीं देने चाहता क्योंकि मुझे लग रहा है वो बोरिंग है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं एक दिन में तुम नहीं समझ सकते उसको, इन शॉर्ट खत्म करो यहीं पे बात। तो सबसे पहले अपना इम्यून इनेट जो है, इनबॉर्न जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, इनेट मतलब इनबॉर्न होता है, और थोड़ा सा उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी टेररिस्ट आ रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सबके लिए सेम काम करेगा, और जब वो फेल हो जाता है, जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तब अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्शन में आती है। और उसको हम एडेप्टिव या एक्वायर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम वो एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं कि जैसे कि हम किसी एक टेररिस्ट के साथ लड़े, एक टेररिस्ट के साथ लड़े और उसको हमने मार डाला, तब हमारे हमारे पास उसकी एक कॉपी रह जाएगी कि ऐसा कोई टेररिस्ट अपने अंदर आया था, उसका उसके साथ हमने ऐसे फाइट की थी। अभी इसकी इसकी थोड़ी सी एनालॉजी दे देता हूँ कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गन है। ऐसा मान लो एक के एम ले लो, M4, जो भी पबजी खेलते हैं उनको पता होगा, कोई भी AK-47 ले लो, तुम्हारे M4-16 ले लो, अलग अलग गनों से अलग अलग टेररिस्ट मरते हैं, ऐसा समझ लो। ये एक हाइपोथेटिकल सिटी है जिसमें कि हमको इमेजिन करना है। तो फटाफट से, तो कोई भी वो होगा टेररिस्ट जिसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए एक अलग गोली है, वो अलग बंदूक से मरेगा, अलग गोली से मरेगा। बात समझ गया? सिंपल, इससे ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा फिर। तो ये वैक्सीन जो होती है, ये हमारी एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है इसको टारगेट करती है, इसको ट्रिगर करती है, इसको ऑन करती है, मतलब सीधा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे हम खेल रहे हैं। मतलब एक तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और उसमें भी हम सबसे कॉम्प्लेक्स चीज को ट्रिगर करते हैं वैक्सीन के थ्रू। अब वैक्सीन क्या होती हैं, शॉर्ट में समझ सिंपल गया। सिंपल में समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन जो होती हैं, वो वही वायरस होता है जिसके जिससे हमें इम्यूनिटी चाहिए। अब पर यहाँ पे एक वो है कि जो वायरस हम एंटर करते हैं अपनी बॉडी में, इंजेक्ट करते हैं, तो वो उसको हम या तो थोड़ा वीक कर देंगे, पहला थोड़ा वीक करके भेजेंगे कि वो अपनी इम्यूनिटी को तो ट्रिगर कर दे पर हमको डिजीज ना दे, मतलब अपने सेल्स का फंक्शन पूरा, हम अपने घरों का कंट्रोल रह के वो मतलब अपनी अपना जो भी फंक्शन है, सिटी का जो भी सब कारोबार चल रहा है, उसको कहीं पे इंटरप्ट ना करे, समझ रहा है? वो मिलिट्री को बोल दे कि ये टेररिस्ट आएगा तो ऐसे तुमको रिएक्ट करना है, ये वाली तुम्हें बंदूक यूज करनी है, पर ये अपने जो भी काम चल रहे हैं सिटी में उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक तो वो हो गया वीक,
उसी टाइप से हम डेड टेररिस्ट को भी तो भेज सकते हैं। एक डेड टेररिस्ट को हमने अपनी सिटी में डाल दिया, तो उनको पता चल जाएगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है और इसको हमको इस गन से मारना है। बात समझ रहा है? इस गोली से मारना है या फिर समझ गया। इस पर्टिकुलर चीज से मारना है। कैसे भी एनालॉजी दे दे, मुझे ज्यादा अच्छे से मतलब दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा करना है। तो नहीं, ठीक है, समझ गए कि मतलब यही कि वैक्सीन जो भी है वो एक बेसिकली क्या होती है, वही वायरस होती है लेकिन कमजोर होती है, या और इतना कमजोर, वो क्या करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम में एक तरह की मेमोरी बन जाएगी। और कौन सा इम्यून सिस्टम? जो थर्ड लेवल का इम्यून सिस्टम है वो, राइट, एडेप्टिव वाला, एक्वायर्ड वाला, अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, तो एक्वायर कर उसको रहे हैं अटैक हम, करेगी। एडेप्ट क्या होगा कर रहे उससे, हैं। उससे हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारी बॉडी में मेमोरी बन जाएगी उस वायरस की, कि जैसे ही इस तरह के वायरस आए, जैसे ही ये कोरोना वायरस आए, जो इसके प्रोटीन स्पाइक्स हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में घुसे, सीधे इस पे शूट आउट चालू कर दो, हाँ, और वो राइट। भी अपने पर्टिकुलर कौन सी गोली यूज करनी है वो भी अपने को पता रहता है, इसीलिए तो फटाफट हो जाएगा। क्योंकि हाँ, जब पहली बार कोई टेररिस्ट अपनी बॉडी में आ रहा है तो हमको पता नहीं उससे कैसे लड़ना है, कौन सी बंदूक यूज करनी है, कौन सी गोली से वो मरेगा, ये हमको नहीं पता है। अच्छी, सबसे अच्छी कौन सी गोली से वो मरेगा। गोली के भी टाइप होते हैं ना अलग अलग, MMM चेंज करते जाओ, तो कैसे भी छोटे बड़े ये MM चेंज कर लो। ये अच्छी एनोलॉजी कि कौन सी गोली से वो पर्टिकुलर टेररिस्ट मरेगा वो हमारी बॉडी को नहीं पता है। तो हमारी बॉडी पहले उस टेररिस्ट को पता करती है कि कौन सा पैथोजन आया है, उस वो अपनी बॉडी के लिए एक हार्मफुल है, फिर उसको पता करेगी वो कौन सी गोली से मर रहा है, वो पहले उस गोली का पता करना पड़ेगा। फिर वैसी बहुत सारी गोलियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी रेप्लीकेट हो चुके होंगे वो वायरस, मतलब वो जो भी टेररिस्ट आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी अपनी कॉपीज बना चुका होगा, तो सबको मारने के लिए बहुत सारी तो गोलियां लगेंगी ना। हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं, उस गोली को बोलते ऑब्वियसली हैं हम एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी, जिसको वो टारगेट करते हैं उसको बोलते हैं हम एंटीजन। समझ रहा? एक हो गया पैथोजन, एक हो गया माइक्रोब, सबसे पहले हो गया माइक्रोब जो कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, दूसरा हो गया पैथोजन जो कि हमें डिसीज कॉज कर सकता है, उसके बाद होता है पैथोजन, उसके बाद होता है एंटीजन। एंटीजन किसे बोलते हैं कि ये मुझे बहुत क्लियर नहीं पता, पर जो भी पैथोजन का एक पार्ट होगा जो कि अपने सेल के साथ अटैच होगा, समझ रहा है, और फिर उसके मतलब DNA मटेरियल जो भी उसमें अपने सेल में ट्रांसफर करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंटीजन। और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए होती है एंटीबॉडी। समझ रहा है? जैसे कि ये एक पार्ट है जो अपनी बॉडी में जुड़ेगा, अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज कर दूं तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा ना यहाँ पे, समझ रहा है? इसी को बोलते हैं ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी। सिंपल। और थोड़ा मतलब वैक्सीन यही होती है, अभी थोड़ा वापस वैक्सीन पे आ जाते हैं, कि एक होती है उसी वायरस का हम वीक वर्जन डालते हैं, दूसरा है तो उसको मार डालते हैं, पूरा डेड करके भेजते हैं। तीसरा होता है कि हम उसका कोई पार्ट यूज कर रहे हैं, कि ये एक पूरा स्पीयर में अगर हम वायरस को देखें तो उसका एक टुकड़ा लेके हम उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी वैक्सीन हो सकती है। अभी जो अपनी वैक्सीन है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। अभी वो टुकड़े में जो हम प्रोटीन स्पाइक या जो भी यूज कर रहे हैं, वो जो प्रोटीन स्पाइक का कोडिंग होता है उसको हम यूज कर रहे हैं अपनी करंट फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन में, मतलब बहुत हाईटेक बोल आई थिंक सकते कोविशील्ड हैं। में भी सेम ही है, कोविशील्ड की जो वैक्सीन है। ओके, ठीक है, वो तो बाद में मतलब डिस्कस करेंगे, एस्ट्राजेनेका की जो है लेकिन मतलब वो, यही है कि हाँ, उसमें DNA है पर उसमें वायरस का यूज किया गया है, जो चिंपांजी का एडीनो वायरस है उसमें हमने ये अपना जो भी प्रोटीन स्पाइक का DNA है उसको हमने, ठीक है ये बाद में समझाता हूँ कि ये वायरस कैसे हो गया है, पहले तो हम थोड़ा इसमें और क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहला होता है कि वीक वायरस डाल रहे हैं, दूसरा होता है अपना उस वायरस को पूरा कंप्लीटली डेड करके डाल रहे हैं, तो तीसरा हो गया कि हम उसका कोई पार्ट डाल रहे हैं, और चौथा हो गया कि हम वो जो पार्ट है या फिर जो भी प्रोटीन स्पाइक है मतलब कोई भी पर्टिकुलर है उसकी सिर्फ कोडिंग भेज रहे हैं अंदर अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी खुद उस एंटीजन को बनाएगी। तो ये चार टाइप के वैक्सीन हो सकते हैं। और हम जो अभी अपना जो मतलब कोरोना की जो भी वैक्सीन बन रही है, बन गई है फाइजर और मॉडर्ना, वो दोनों ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है। ऐसी वैक्सीन पहले कभी अप्रूव नहीं हुई है, ये पहली बार अप्रूव हुई है और बहुत जल्दी अप्रूव हुई है। लगभग एक मतलब ये बहुत बार एनिमल्स के ऊपर यूज हो चुकी है, पर ह्यूमन में मतलब ये पहली बार लोगों के अंदर ट्राई मतलब वैक्सीन ये एंटर हो गई जो भी अपनी mRNA की है। करेक्ट, अब मैं थोड़ा और वैक्सीन के बारे में बताता इसीलिए हूँ। इतनी एक्सपेंसिव भी है, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और
मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहीं पे ही वैक्सीन यूज होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव मॉडर्ना है फाइजर की। और इसके थोड़ा एक ड्रॉबैक भी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो वैक्सीन समझ में आ गई तुझे कि तू थोड़ा समराइज कर देगा कि मैं क्या समराइज नहीं, करूँ? नहीं, बहुत बार समराइज बिल्कुल कर वैक्सीन, दे, बिल्कुल सही बोला तूने ठीक कि है, बहुत बार समराइज हो चुका है, लोग भी मतलब ना। बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं और बता देता हूँ कि अपनी जो अभी जो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली जो कोरोना वैक्सीन है ये कैसे काम कर रही है, और इसका थोड़े बा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भाई वही भाई, मेरे जो दोस्त हैं दो चार जो मेरे साथ रहते हैं, उनने मेरे से पूछा ऐसे कि भाई क्या है वैक्सीन का सीन, तुझे क्या लगता है कि अपनी फैमिली को इस टाइम पे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाई, मतलब मुझे तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा बोल रहे थे सब मेरे दोस्त। तो फिर मैं भी थोड़ा सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, तो मैं भी थोड़ा अपना रिसर्च मोड पे गया, थोड़ा बहुत मैंने भी सर्च किया। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जो फाइजर और मॉडर्ना जो सबसे ज्यादा हेडलाइन बना रही थी, वो इंडिया में नहीं आने वाली है वो वैक्सीन्स। वो वैक्सीन्स कहाँ के लिए? वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। हाँ मतलब इंडिया में जो वैक्सीन यूज होने वाली है वो दो है, दो मेन है, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक जो कि सेकंड पहली है। एक सेकंड मैं कुछ बता ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो भी है कि मतलब जिसको भी जो भी लेनी है उस हिसाब से उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, जैसे कि हमने ऑक्सफोर्ड के साथ किए एस्ट्राजेनेका, तो पहले से मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन थे कि ये इनमें होगी और जिस जिस कंट्री ने उसको अप्रूव किया है और उसके डोजेस ऑर्डर किए हैं उस कंट्री में वो जाएगी। अगर तुमको इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो RAPS करके एक वेबसाइट है, रेगुलेटरी बॉडी है वो, वहां पे तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी वैक्सीन कहाँ जा रही है, कहाँ बन रही है, सारी वैक्सीन के बारे में तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। WHO पे तो है ही पर RAPS पे अच्छी है, क्या बोलते हैं उसको, रेप्स वेप्स बोलते होंगे, रेगुलेटरी बॉडी है वो, सॉरी। हाँ समझ तो गया, उसमें सब कुछ है कि फाइजर फाइजर कहाँ कहाँ जा रही है और ये जो भी मॉडर्ना है अपनी एस्ट्राजेनेका वाली है वो सब कहाँ जा रही है, तो तुम्हें अगर देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, अब कंटिन्यू कर। यही मतलब कि मेरे दोस्तों ने पूछा मुझसे, मैंने बताया पहले तो मतलब जब मैंने रिसर्च की तो सबसे पहले ये पता चला कि फाइजर और मॉडर्ना ये अमेरिका की वैक्सीन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वैक्सीन है। हमारे इंडिया में जो वैक्सीन आएंगी वो दो हैं। पहली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च करके जो वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है कोविशील्ड, एक्स्ट्राजेनेका सपोर्टेड, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी बोल दे। उनके कोलेबोरेशन से ये वैक्सीन बनी है। और इंडिया में जो वो वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे और मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए, राइट। और जो हो चुके सेकेंड वैक्सीन चालू। जो अप्रूव हुई है, जिसके अराउंड सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, वो है कोवैक्सीन, जो कि बनाने वाली है भारत बायोटेक। भारत भारत बायोटेक, बायोटेक आई गेस, भारत, है ना, हाँ भारत हाँ बायोटेक भारत ही है बायोटेक, ना। तो जो दूसरी वैक्सीन है वो आने वाली है भारत बायोटेक से। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की अब तक फेज 3 के ट्रायल्स आए नहीं है, चल रहे और हैं। उससे पहले ही जो है उन्हें अप्रूवल मिल चुका है। वही रिजल्ट्स अब तक नहीं डिक्लेयर हुए, डेटा जो है अब तक मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार रहा है, उनने एबोला के टाइम पे भी काफी अच्छा काम किया था भारत बायोटेक ने। और जो उनका जो वैक्सीन का जो सिस्टम है, जिस तरह से उन्हें प्रिपेयर किया, वो ट्रिवियल सिस्टम है कि वही वैक्सीन को वीक करके और यूज करेंगे। तो मतलब वो पुराना ट्रस्टेड तरीका है वैक्सीन तैयार करने का। तो मतलब स्पेकुलेशंस तो यही है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वैक्सीन जो है वो सेफ होगी। लेकिन दिक्कत मतलब प्रॉब्लम ये है कि पहले जो हमारे जो रूल सेट हैं, उन रूल्स के हिसाब से वैक्सीन तब तक हम अप्रूव नहीं कर सकते जब तक वो 50% एफिकेसी ना दिखा दें। लेकिन इनके अब तक रिजल्ट नहीं आए और उससे पहले ही वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है इमरजेंसी यूज के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी इसलिए। फिर ये तो है पहला रीजन कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, सिर्फ कोरोना की वैक्सीन के लिए। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी वैक्सीन आज तक हिस्ट्री में इतना फास्ट बनी नहीं है, राइट। कभी नहीं बनी। हालांकि भाई वैक्सीन हमारी हमेशा से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन लोगों ने कि कौन सी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट करने में पूरी दुनिया से। मतलब वैक्सीन के लिए मैं वैक्सीन डिनायर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वैक्सीन एंटी सपोर्ट वैक्सर करता नहीं हूँ, है। सिर्फ इस केस में, क्योंकि अब तक जो डेटा है वो उतना एंटी वैक्सर नहीं हूँ, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है।
स्पेशली जो फेज थ्री का डेटा है, राइट। हालांकि कोविशील्ड का जो है वो फॉरेन स्टडीज जो है वो तो ठीक है, वहां के हिसाब से तो उनका पूरा डेटा कंप्लीट है। इंडिया में जो ब्रिजिंग स्टडी है वो भी अभी चालू है आई गेस, लेकिन जो कोवैक्सीन है उसका अब तक जो है डेटा काफी आया नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अभी इतनी ज्यादा नहीं है, उस लेवल की नहीं है, इसलिए लोगों में थोड़ा बहुत स्केप्टिसिज्म अभी भी है और मुझ में भी है, राइट। साइंस तभी आगे बढ़ता है जब वो सारे स्केप्टिसिज्म को क्रॉस कर पाए। मैं ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब जो जिनको थोड़ा बहुत पता है, पढ़े लिखे मतलब मैं ये नहीं कि जो जिनको मतलब जो स्केप्टिक हैं थोड़े, मतलब क्वेश्चंस क्रिएट, मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मतलब ये जो भी अपनी कोवैक्सीन है, मतलब इसके इसको हमने बिना फेज थ्री ट्रायल के रिजल्ट के कैसे इमरजेंसी यूज के लिए वो कर दिया, अप्रूवल दे दिया। अप्रूव नहीं बोल सकते उसको, हम अप्रूव्ड नहीं बोलते शायद इसको, इमरजेंसी यूज के लिए ही, इमरजेंसी यूज ही वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे कि तूने बताया कि अपने यहाँ दो वैक्सीन मेन मतलब लगने वाली है, सबसे पहली अपनी एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड, जो कि जिसके डोजेज ऑलरेडी कल से चालू हो जाएंगे, जो कल से लगना चालू हो जाएगी। अभी उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं? बता बता, फिर हम बात कर लेंगे जो भी मॉडर्ना फाइजर जो भी है। अपने यहाँ जो दो लगने वाली है उसके बारे में थोड़े पहले बात कर लेते हैं कि जो एस्ट्राजेनेका है उसने कैसे वैक्सीन बनाई है, वो कौन से, मतलब जो अपने चार टाइप देखे थे हमने। भाई तेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। चल ठीक है भाई, तो पंकज बता फिर उसके बाद। तो मैं हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो कौन से टाइप की है। जैसे कि मैंने बताया तुझे चार टाइप की वैक्सीन हो सकती है, एक में वीक वायरस, एक में इनएक्टिवेटेड, तीसरे में हम कोई उसका पार्ट ले रहे हैं और चौथे में उसकी हम कोडिंग डाल रहे हैं, एमआरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए जो भी वैक्सीन है। तो ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है थोड़ी, जो चिंपांजी का एडिनो वायरस होता है, जो चिंपांजी में होता है उसको हमने लिया, उस वायरस को, उसका जो रेप्लिकेशन वाला पार्ट है, मतलब जैसे थोड़ा मैं तुझे ओवरव्यू दे देता हूँ कि तुम्हें, मतलब तुझे तो पता है कि सेल होता है, सेल के बीच में, सेल क्या होता है तो अपना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो कि सेल होता है, सारे काम वहीं से होते हैं अपने। इन शॉर्ट अगर मैं घर की बात करूं तो ईंट हो गई उसमें, कि ईंट से जैसे घर बनता है तो ऐसे सेल से अपनी बॉडी बनती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जो सेल होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, वहां पे अपना होता है जीनेटिक मटेरियल, अपनी सारी ब्लू प्रिंट कि क्या होगा तुम्हारी बॉडी में, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, वो सारी ब्लू प्रिंट उस न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए से ही सारे काम होते हैं, सबको पता है। तो हमने उसको क्या किया, उसके जो डीएनए होता है उसमें से वो उसका जो रेप्लिकेशन वाला पार्ट है, जिसकी जिसको यूज करके वो रेप्लिकेट करता है, शायद उसको हमने निकाल दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जीन एडिटिंग से, और वहां पे हमने ऐड कर दिया है अपना इसका डीएनए, किसका, जो प्रोटीन स्पाइक है ना कोरोना वायरस के ऊपर, जिसके जैसे जो खड़ा है ऊपर, जिससे हमारे वो जिससे अटैच होता है अपनी बॉडी के सेल से और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो हमने उस पार्ट को निकाल के ये जो प्रोटीन स्पाइक बनाने का जो पार्ट है उसको डाल दिया। अब ये जो एडिनो वायरस है चिंपांजे का, इसको मतलब इसको हम इंजेक्ट करेंगे अपनी बॉडी में, और इसमें जो हमने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से अपनी बॉडी में एक प्रोटीन बनेगा, जो भी प्रोटीन स्पाइक कोरोना वायरस के बिल्कुल वैसा ही, और वो प्रोटीन स्पाइक बनेगा और अपने सेल के बाहर वो ऐसे सिग्नल बताएगा कि कोई पैथोजन आया, बाहर की कोई चीज आई है, फिर अपनी इम्यूनिटी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगी कि उसको पता करेगा कि ये कौन आया है, क्या है, कैसे मरेगा, और उसकी मेमोरी सेव कर लेगी। तो वैसे ऐसे ये काम करेगा अपना डीएनए वाले। तो अभी डीएनए से प्रोटीन बनेगा कैसे, छोटे जल्दी से छोटी सी समरी बता देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत प्रिसीजन से ये सब काम होता है। तो डीएनए से, डीएनए होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में, वो बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर नहीं आना भी चाहता, तो वहां से उसकी कॉपी बनती है एक सिंगल स्ट्रैंड में, उसको हम बोलते हैं आरएनए। अभी वो जो सिंगल स्ट्रैंड होगा उसमें उसकी जो कॉपी है वो निकल के आ गई है। अब ये जो कॉपी है ये जाएगी बाहर मशीन के पास, जो प्रोटीन बनाने की मशीन अपनी जो राइबोसोम है उसके पास जाएगी। इस राइबोसोम, ये एक फैक्ट्री है अपने पास जिससे कि प्रोटीन बनते हैं, और ये अपने पास मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए। अभी इसको हम मैसेंजर क्यों बोलते हैं, कि वहां से मैसेज लेके आ रहा है कि ये हमें प्रोटीन बनाना है और इस फैक्ट्री के पास लेके आ रहा है, मतलब ब्लूप्रिंट लेके आ रहा है, इन शॉर्ट ब्लूप्रिंट का एक पार्ट लेके आ रहा है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन हमें कैसे बनाना है। तो ये अपने पास फैक्ट्री है,
और वो मैसेंजर ना एमआरएनए आएगा और यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि हमारी डीएनए से कॉपी होके फिर एमआरएनए बना, तो अब जो फाइजर और मोडेना की जो वैक्सीन है ना उसमें हम सीधा एमआरएनए दे रहे हैं कि अपनी बॉडी को थोड़ा कम काम करना पड़े। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डीएनए से रेप्लिकेशन होके फिर वो एमआरए बनाएगा, फिर वो अपने साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर वो मेरा थोड़ा इंटरनेट भीग गया, अब सही आ रहा है, फिर वो फैक्ट्री के पास जाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। इससे अच्छा वो सीधा, सही आ रहा है भाई। हाँ वो सीधा एमआरएनए ही दे रहे हैं, समझ रहा है, कि सीधा वो फैक्ट्री के पास जाएगा और अपना प्रोटीन बना लेगा। तो ऐसे काम करते हैं, ये मेन डिफरेंस है कि उसमें हम वायरस के अंदर डीएनए दे रहे हैं और फाइजर और मॉडर्ना में हम सीधा एमआरएनए दे रहे हैं, सीधा कोडिंग दे रहे हैं कि इससे जाओ सीधा प्रोटीन बन जाएगा, और वो प्रोटीन के बाद अपनी इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाएगी और वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देगी और फिर मतलब मेमोरी क्रिएट कर लेगी कि जब जब ओरिजिनल में ये वायरस आएगा, कोरोना अपनी बॉडी में एंटर होगा, तब मतलब अपने ऑलरेडी रेडी होंगे, तो ये हमें नहीं होगा। अब एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है ना, इसमें एक छोटा सा छोटी सी दिक्कत है। अब दो चीजें होती है, एक में होता है कि हमको कोरोना होने से बचाएंगे, मतलब हमको इन्फेक्शन ही नहीं होगा, एक वैक्सीन ऐसे काम करेगी, कर सकती है, और दूसरी करती है कि हमें इन्फेक्शन तो होगा पर हमें डिजीज नहीं होगा, हम ज्यादा बीमार नहीं होंगे, ज्यादा सीवियर नहीं होगा, वो छोटे से लेवल पे जाके तैयार हो जाएंगे। अब इसमें एक दिक्कत है, अगर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं अभी भी लोगों को इन्फेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी का, वो खत्म हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी कब आती है, जब हम 60-70% पॉपुलेशन को, वो भी रिप्रोडक्शन नंबर पे डिपेंड करता है, 60-70 जो भी परसेंटेज निकल रहा है उतने लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें, तो ओवरऑल सब लोग इम्यून हो चुके हैं इस डिजीज से, ऐसा हम मान लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी की वजह से। पर अगर ये फाइजर और मॉडर्ना का जो है ना, ये शायद इनसे ये इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रहे हैं, ये डिजीज को रोक पा रहे हैं पर इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रहे हैं, ये थोड़ा अभी भी चल रहा है कि क्या है नहीं। पर अपना यहाँ जो आ रही है एस्ट्राजेनेका, जिसकी की एफिकेसी कम है भले ही, पर वो इन्फेक्शन से बचा रही है, इन्फेक्ट नहीं होने दे रही ज्यादा लोगों को, बात समझ रहा उसकी एफिकेसी 70% है शायद। नहीं, है। हाँ, देख अभी एफिकेसी ऑफ कोविशील्ड 70% और फाइजर मॉडर्ना की जो एफिकेसी है वो 95% काफी हाई है, 90+। 94 और 95। हाँ, अब थोड़ा सा मैं एफिकेसी के बारे में बताता हूँ कि ये अपने जो एस्ट्राजेनेका है उसकी, उसमें क्या हुआ था कि डोज पर डिपेंड कर रही थी। पहला डोज जब ब्राजील में इसका वो हुआ था, पहला फेज 3 का ट्रायल पहला उसका ब्राजील में हुआ था, तब इसने दोनों में एक एक डोज दिया था, फुल फुल डोज, तब उसकी एफिकेसी थी 70% के अराउंड। और दूसरी बार जब इन्होंने यूके में जब सेम वैक्सीन को पहले हाफ डोज में दिया फिर फुल डोज में दिया, तो उसकी एफिकेसी 90+ चली गई। तो उन दोनों का एवरेज निकाल के कुछ हो, और उसका तीसरा ट्रायल मतलब फेज 3 ट्रायल का ही तीसरा पार्ट चल रहा है यूएसए में, समझ रहा है, मतलब ये हम नहीं बोल सकते कि कितनी एफिकेसी है इसके, 90+ भी है, 70+ भी है, अगर एवरेज माने तो 80+ मान ले, और 80+ मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 95 है ये 85 है तो ये खराब वो अच्छी, इसमें तो एक प्लस पॉइंट भी है, ये तो इन्फेक्शन को भी रोक रही है तो ये ज्यादा अच्छी है। ऊपर से इन्होंने बोला है कि हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे जब तक ये है ना, ऐसा इसी ने बोला ना एस्ट्राजेनेका वाले ने, ऑक्सफोर्ड वालों ने, कि जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाएंगे इसका, सिर्फ जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही लेंगे। हाँ बात समझ रहा है, अभी इंटरनेट आया सही। हाँ यही बोल रहा था। हाँ, और अगर थोड़ा फाइजर मॉडर्ना का बता दूं तो दोनों की 90+ एफिकेसी है, दोनों ही अच्छी है, दोनों एमआरएनए बेस्ड है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और उन वो शायद उनका जो भी ट्रायल चल रहा है कि इन्फेक्शन रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं वो अभी भी है। उनके कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला वैक्सीन का साइड इफेक्ट है बहुत बड़ा कि तू लंबा जिएगा, दूसरा वैक्सीन का साइड इफेक्ट है कि तुझे शायद वो डिजीज ना हो जिसकी तूने वैक्सीन ली है, तीसरा है इसका कोई साइड इफेक्ट कि क्या बोल सकता है, और ऐसे ही वही ये सब सार्कास्टिकली बोल रहे हैं समझ रहा है, लोगों को जो मिथ नहीं है, देख नहीं, हमारे देखने वाले यार समझ जाएंगे। ठीक है।
अभी एक चीज और बताऊंगा कि साइड इफेक्ट जो होते हैं वो जरूरी भी हैं। उसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रही है ना भाई, तुम्हें जो भी माइल्ड थोड़े थोड़े सिम्टम्स होंगे, फीवर वीवर आ रहा है, हेडेक वेडेक हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम जिसके लिए तुम्हारी वैक्सीन को भेजा गया है ट्रिगर करने के लिए, वो ट्रिगर हुआ है, वो काम कर रहा है। मतलब माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो अच्छी बात है कि वो वैक्सीन काम कर रही है ना, इन शॉर्ट वही है ना भाई। अभी कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, तो उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, वो बताएंगे कि किनको वैक्सीन कौन ले सकता है किसको नहीं ले। ऑलमोस्ट सारे ले सकते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको वैक्सीन नहीं ले, और वो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से उनको नहीं लेंगे तो भी वो चलेगा, बट पोटेंशियल रिस्क नहीं होता। इसके बारे में बात हो गया, थोड़ा एक्टिव हो जाए यहाँ पे, आ जा। अब थोड़ी बात करते हैं हम किसके बारे में, कि ये जो भी व्हाट्सएप और सिग्नल में व्हाट्सएप और प्राइवेसी। सिग्नल। देख पहली बात मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि डिजिटल प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हारे सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तुम किससे किससे बचोगे, तुम ये पहली बात बताओ, किससे किससे बचोगे थोड़ी सी हमारे सारे सेक्स चैट मार्क जुकरबर्ग देख रहे हैं। तुम थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बच जाओगे। तुम्हारी वैसे भी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग, वो अभी वही भी ना। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, पहली बात। दूसरी सिर्फ बात, व्हाट्सएप में ना, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना सिर्फ व्हाट्सएप में है, अब टेलीग्राम में बिल्कुल नहीं है। टेलीग्राम तो यूज ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तक। टेलीग्राम पे सारी सारे इलीगल काम टेलीग्राम पे होते हैं, सबको पता है वो होते हैं कि नहीं होते, और वो एंड टू एंड बिल्कुल भाई। इनक्रिप्टेड भी नहीं होते भाई। उसके लिए शायद कोई सीक्रेट कन्वर्सेशन चालू करनी पड़ती है, उसके बाद वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इनक्रिप्शन होता है उनमें। अब थोड़ा व्हाट्सएप और ये जो सिग्नल सिग्नल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, पर अपना एक इकोसिस्टम बैठ चुका है व्हाट्सएप पे, हाँ ठीक है। तुम्हें क्यों बिगाड़ना है वो इकोसिस्टम, कुछ कुछ दो चार चीजों के लिए। देख पहली बात तो क्या है कि वो लोग लोकेशन ले रहे हैं, लोकेशन का तुम्हारा यूज, अरे करने दो ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी गूगल तुम्हारा सारी लोकेशन ऑलरेडी लेता है, बिना बताए लेते वो बता के ले रहे हैं, क्या दिक्कत है फिर व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप वालों में इतनी मतलब छाती में ताकत है कि वो बता के तुम्हें ले रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, गूगल तो सब कुछ पहले से ही लेता है। लेकिन ये ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, कि अगर पहले जो था, पहले क्या था कि भाई मुझसे परमिशन थी नहीं, मेरी परमिशन के बिना, ठीक है। अब क्या है कि अब तो मेरे साथ एग्रीमेंट में वो लोग ले रहे हैं डेटा, जो है वो मेरे एग्रीमेंट से जाएगा ना उनके पास। पहले अगर ज्यादा तो ठीक है, ज्यादा था, लेकिन मेरे एग्रीमेंट से नहीं ज्यादा था। लेकिन अब तो भाई मेरे क्या बोलते हैं, मेरे भाई ऑफिशियली मुझसे बोल रहे हैं कि हम जो है तुम्हारा डेटा लेने वाले हैं, तुम्हें चाहिए हो या फिर नहीं चाहिए हो, हमें कुछ नहीं है, तुम छोड़ दो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है इस प्राइवेसी पॉलिसी से। तो भाई एक भाई तो ये बात तरीका जो देख देख एक बात है कि भाई उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है तो वो कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे। अब तुम्हारा कुछ मुट्ठी भर डेटा ले रहा है, ले रहे हैं, तो उनको मतलब वो उससे कुछ चीजें मैनिपुलेट करेंगे और कुछ मतलब तुम्हारे लिए परफेक्ट ऐड लाएंगे। अभी पर्सनलाइज ऐड मुझे पर्सनली पसंद है, बात समझ रहा है तू। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड से वेबसाइट्स मिली हैं, ये सब मिली, मुझे पर्सनलाइज एड्स पसंद है। तू एड्स को रेगुलेट भी कर सकता है कि तुझे ये एड देखनी है कि नहीं देखनी है, वो तेरे पास रेलेवेंट है कि इरेलेवेंट है, ये सब तेरे कंट्रोल में रहता है। तो मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे एड्स पसंद है, मैं गूगल को अपने हिसाब से डेटा देता हूँ कि तुम लो। जो भी एक्टिविटी कंट्रोल में जाके हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि गूगल ऑलरेडी सब कुछ है भाई, तू फोन पे है तो गूगल को पता है कि तू फोन कॉल यूज कर रहा है, तू कौन सा ऐप कितनी देर यूज कर रहा है, वो सब गूगल को ऑलरेडी पता है, सब कुछ माय एक्टिविटी पे जाके मिल जाएगा तुझे, तू खुद भी देख सकता है। तो तुम अगर ये कुछ इश्यूज की तुम कितना टाइम व्हाट्सएप पे स्पेंड कर रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, वो सब जान के तुम मतलब उनको ना बता के तुम क्या उखाड़ लोगे। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इतनी सी प्राइवेसी बचा के तुम क्या कर लोगे। ऑलरेडी गूगल के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, है ना, वो तो तुम नहीं बचा रहे। ऐसा थोड़ी तुम गूगल यूज करना छोड़ दोगे। मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं क्रोम छोड़ के मोजिला पे शिफ्ट हो जाऊं, पर हो ही नहीं पा रहा। इकोसिस्टम ही इतना अच्छा है उसका, मतलब उस इकोसिस्टम में मैं बैठ चुका हूँ, कंफर्टेबल हो चुका हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर अगर तुम्हें तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें वो थोड़ी सी जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है जिसको तुम जो भी बोल सकते हो उसको बचाना है, तो सिग्नल पे शिफ्ट हो जाओ, वरना ऐसे तुम्हारे लेवल पे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तुम्हारी कोई चैट लीक नहीं हो रही, एक्सेप्ट अगर हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है कोई तो, और न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम नहीं कर रहे तो अलग बात है।
99 point, मतलब क्या बोलूं मैं, 100% किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुत कम लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा ओवर एग्जेजरेट किया गया है इस चीज को। लेट्स सी भाई क्या होता है और किस तरह से हमारे जो इंडियन पीपल हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं भाई। भाई पता है ना तेरा, हमारे इंडिया का भाई, हमेशा ये तो है ही कि ओवर रिएक्ट तो हम हमेशा कर ही जाते हैं। अब पता हाँ तो कोई और कोई सवाल तेरा कोरोना पे? हमने कोरोना का इंट्रोडक्शन देख लिया, कोरोना क्या है, कहाँ से आया है, कितने फैल रहा है, उसका फेटलिटी रेट क्या है, रिप्रोडक्शन नंबर क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हमारी, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है इम्यूनिटी, कितनी अच्छे से काम करती है वो। उसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन्स कैसे हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी को ट्रिगर करती हैं। बहुत बेसिक लेवल पे सब कुछ चीजें देखी हैं। ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल मत समझ जाना कि एक बार में तुमको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। हमने सुपरफिशियली बताया कि ऐसे ऐसे काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल पे। फिर हमने देखा कि अपने यहाँ कौन कौन सी वैक्सीन आ रही है। पहली आ रही है एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, और दूसरी है अपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के अभी भी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। वो अभी भी 26 या 25 हज़ार के आसपास लोगों का ट्रायल चल रहा है। जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है उसके ऑलरेडी ट्रायल्स हो चुके हैं फेज 3 के 2 जगह पे, ब्राजील और यूके में, यूएसए में चल रहे हैं। ब्राजील में उसकी 70% एफिकेसी थी जब उन्होंने 1-1 डोज यूज किया था, और यूके में उसकी हाफ और 1 डोज में 90+ कुछ एफिकेसी थी। तो वो एक, और एफिकेसी का मतलब ये नहीं कि जितना ज्यादा उतना, मतलब वो मॉडर्ना से अच्छी है कि बेकार है, ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके अपने फायदे हैं और उसके अपने फायदे हैं, जो भी है। दूसरी बात एस्ट्राजेनेका काफी की, सारे फैक्टर्स होते एक हैं जो सेकेंड, किसी भी वैक्सीन को अच्छा बुरा बताते हैं। समरी दे रहा हूँ कि एस्ट्राजेनेका जो भी है उसको हम अच्छे कम टेम्परेचर पे लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो उसका अपने प्लस, बहुत सारे प्लस पॉइंट है हमारे लिए उसके, कि एक तो लो टेम्परेचर पे वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं चाहिए उसको। दूसरी बात कि वो प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, शायद तक उसी का है, अगर मैं गलत हूं तो सॉरी भाई, शायद तक तो उसी का है। वो लोग प्रॉफिट नहीं ले रहे, मतलब वो हमें चीप सस्ती पड़ेगी। तीसरी बात कि अपना सीरम इंस्टीट्यूट ही उसे बना रहा है, मतलब इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा नहीं होगा, वहां से जो भी इम्पोर्ट विम्पोर्ट करना पड़ेगा वो उस खर्चा नहीं होगा। मतलब बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। तो हमारे लिए कोविशील्ड एक अच्छी वैक्सीन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। एस्ट्राजेनेका वाली कोई भी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रही है, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने लिए कैसी है, उसके कितने डोजेस हमको मिल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा नंबर है। लाइक 2021 के एंड तक अगर अच्छे खासे डोज हो जाएं अपने पास तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही अपने जो भारत बायोटेक की बन रही है, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा उसकी, अपनी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि फेज 3 के ट्रायल्स के पहले ही उसको, मतलब उसके डोजेस बनना चालू हो चुके हैं, उसको पहले ही इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है। तो वो जो भी चल रहा है वो अपने, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही अपने इंडिया में मिलेगा ज्यादातर। और ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं म्यूटेशंस के बारे में। जो कि अभी यूके का वेरिएंट आया है वो इंडिया में आ चुका है, ठीक है, कंफर्म हो चुका है कि वो वेरिएंट इंडिया में है, बहुत सारी और भी कंट्रीज में है, ठीक है। तो वो जो वेरिएशन है, म्यूटेशन है, वो शायद मतलब वैक्सीन की जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, उसको कम कर सकता है या फिर ना भी करे, उसका हमारे पास अभी फिलहाल कोई डेटा नहीं है। वो ज्यादा कंटेजियस है शायद तक तो, या फिर वो ज्यादा डेडली है, उसका ज्यादा डेटा नहीं है। पर रिसर्च, मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से, वो ज्यादा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। वैक्सीन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी एफिकेसी इतनी भी कम नहीं होगी, ठीक है। और वो अभी क्यों होता है वो, सॉरी सर, ठीक है, म्यूटेशन क्या है अभी थोड़ा अगर, बताया हाँ म्यूटेशन समझाओ ना कि म्यूटेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अपने पास एक ब्लूप्रिंट है डीएनए, जिससे कि सारे अपने बॉडी के काम होते हैं, क्या कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसे सब कुछ होगा, वो वही वही से डिसाइड होता है डीएनए। अब डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं, मतलब यही ब्लूप्रिंट है, तो उसमें कुछ लिखा है, कोडिंग के लैंग्वेज में लिखा है कि ये इससे ये प्रोटीन बनेगा, इससे वो बनेगा। तो जब वो जो कोडिंग होती है, उस कोडिंग में अगर कोई एक वेरिएशन आ जाए, जैसे कि मैं अगर AGCT कुछ भी बोलूँ, AGCT अगर एक कोड है, उसमें अगर एक सी की जगह एक हो ए हो जाए, तो वो कोड चेंज हो गया, तो कोड चेंज हो गया, तो उससे वो कोड जब बाहर जाके प्रोटीन बनेगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के पास कोड ही गलत आया तो कुछ प्रोटीन ही अलग बनाएगी ना। तो जब वो चेंज हो जाता है, अगर एक सिंगल कोड में चेंज आ रहा है, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट एक पॉइंट पे म्यूटेशन। चेंज होगा तो पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, खराब भी हो, हार्मफुल भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है कि कोई चेंज ना आए, ये
जो प्रोटीन बन रहा है वही बने, हम उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और दूसरा टाइप का म्यूटेशन होता है कि जिसमें एक पूरा, जैसे कि डीएनए का स्ट्रैंड है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकल के दूसरा कोई टुकड़ा आ जाए, या फिर उसमें पूरे में चेंजेस आ जाए, तो वो एक लंबा लॉन्ग म्यूटेशन बोलते हैं उसको, कुछ पता नहीं है। वो अपना अपने यहाँ कोरोना वायरस में जो हुआ है वो पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। अब पॉइंट म्यूटेशन किसमें हुआ है, जो प्रोटीन स्पाइक है ना उनका, जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं, जो कि उस हमारी बॉडी से अटैच होता है, वो उस स्पाइक में थोड़े से चेंजेस आए हैं। और स्पेसिफिकली बोलूं तो अगर 1200 अमाइनो एसिड्स हैं शायद उस प्रोटीन में, उसमें से 614 वाले, 614th वाले में कुछ चेंजेस आए हैं। मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके डिटेल में, पर शायद वो एक यूके का वेरिएंट बोला जा रहा है, उसको जो भी नाम वाम दिया है वो सब मैटर नहीं करता ज्यादा, पर वो कुछ है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब छोटे छोटे चेंजेस जिससे कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब अगर वो अगर जो उसका एंटीजन है उसमें अगर कुछ चेंजेस ले आएगा, जैसे कि पहले एंटीजन ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो वो अपनी अपनी बॉडी को लगेगा कि क्यों ये दूसरा वायरस आ गया है, कुछ और नया नई चीज आ गई, तो पूरे पूरी प्रोसेस वापस रिपीट करनी पड़ेगी इसको पहचानने के लिए, इससे कैसे लड़ना है उसके लिए, इसके इसके अराउंड न्यूट्रलाइजिंग बॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा कि शायद एक है हाइपोथेसिस है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अपने जो सेल्स हैं वो भी अपने आप को म्यूटेट करके मेमोरी सेव करते हैं। हाँ, बात समझ रहा है कि जैसे कि एक वायरस आया, उसको उन्होंने पढ़ा, उसकी मेमोरी बनाई, तो जो मेमोरी सेल होता है ना, वो एक सिंगल सेल नहीं होता, वो खुद म्यूटेशंस करके देखता है कि ये म्यूटेशंस हो सकता है। शायद मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो ये होता है मेमोरी बी सेल्स भी अपने आप को म्यूटेट करके बहुत सारे मेमोरीज बना लेते हैं। मतलब अगर वायरस म्यूटेट करके भी आ रहा है तो उसके लिए भी बॉडी अपनी रेडी है पहले से ही, इसीलिए शायद। भाई क्या सेक्सी बॉडी है यार, क्या सेक्सी बॉडी है अपनी, मतलब बायोलॉजी किस लेवल पे काम करती है भाई। अगर ऐसा सच में, मतलब ये हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस या थियरी है पता नहीं, लेकिन अगर ये थियरी है ना, अगर प्रूवन है, तो भाई मतलब अनबिलीवेबल चीज है ये। देखना पड़ेगा भाई इसके बारे में। और एक तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो वहां तक पहुंचने, उसको समझने के लिए हमको पहले इतनी सारी चीजें समझने पड़ेंगी ना, कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है वहां तक पहुंचने के लिए, और हम कंसल्ट भी नहीं कर सकते किसी से, डायरेक्ट पूछ नहीं पा रहे, मतलब कोई अच्छा समझाने वाला हो। और इम्यूनिटी ऐसी चीज नहीं है कि तुम एक दो दिन में समझ जाओगे, उसको बहुत महीने लगते हैं, वो एक्सपीरियंस से समझ में आती है इम्यूनिटी कैसे काम करती है। हाँ, तो थोड़ा म्यूटेशन के बारे में और बता दूं कि म्यूटेशन हर बार हार्मफुल नहीं होते, कई बार बेनिफिशियल भी होते हैं, ये सिर्फ एक चीज बता देता हूँ। हाँ, और भी कुछ COVID-19 से लड़ने के अपने पास तरीके हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन से हम क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं कि फैक्ट्री से वो एंटीजन बनाए और उसके बाद वो एंटीबॉडीज बने, पर हम सीधा उस एंटीबॉडी को भी, जिसको कोरोना हो चुका है, तो उस एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन के बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज बहुत सारे वायरसेस को मतलब न्यूट्रलाइज कर देगी, और उसकी बॉडी बेहतर लड़ पाएगी जितने भी बचे हुए वायरस हैं, उनको बोलते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर और भी होता है जिसमें कि हम थेरापोटिक ड्रग्स भी, मतलब जो ड्रग होते हैं जिससे मेडिकेशन जैसे नहीं होती कि डिजीज हो गया फिर वायरस की सेवेरिटी को हम कम करते हैं, तो वो मेडिकेशन भी चल रहे हैं, कुछ नाजल स्प्रेज भी मतलब उसमें है, प्रोडक्शन में है, मतलब प्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिसमें भी वो सब चालू है, उनका प्रोडक्शन काम चालू है उन सब पे। और भी है बहुत सारे सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हो, विटामिन डी है, जिंक है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे कुछ वो वहां पे जहां पे भी रेप्लिकेशन वेप्लीकेशन हो रहा है उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो कैसे भी मतलब अपने काम कर रहे हैं। वैसे WHO ने इसको मना कर दिया कि विटामिन डी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मेरे हिसाब से कुछ है, कुछ तो है। फिर और क्योंकि भाई स्टडीज तो यही सजेस्ट करती है ना कि जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं उनमें मोस्टली ऑलमोस्ट 80 या 75% अबव जो पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है, अब कोविड और विटामिन डी के बीच, लेकिन हो सकता है, मतलब ये एक प्लॉजिबिलिटी तो है ही, एटलीस्ट है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल राइट। और दूसरी चीज है कि ये अपने अगर बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं,
जिसको हम बोल सकते हैं हाइपरथर्मिया, 39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो भी मतलब कोविड से बचा जा सकता, मतलब कोविड होने के बाद की ये बात कर रहा हूँ कि अपनी बॉडी अच्छे से लड़ पाती है उस, क्योंकि कुछ इंटरफेरॉन से लेके कुछ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटरफेरॉन्स का जो लेवल है 39 डिग्री पे, इंटरफेरॉन्स कौन से होते हैं कि जो मतलब यही मतलब लड़ते हैं अपने इससे, जो भी है मतलब इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इंटरफेरॉन्स का लेवल 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपनी बॉडी का तब ज्यादा होता है। और ज्यादातर इसमें क्या हो रहा है कोरोना में कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है उस रिलेशन में, कौन से में, इंटरफेरॉन वाले में, टी सेल मेडिएटेड जो भी टी सेल का जो भी है उनका कुछ है इंटरफेरॉन से रिलेशन, अरे इससे टेम्परेचर से, इन शॉर्ट की टेम्परेचर बढ़ा दोगे कैसे भी हॉट शावर लेके, तो जब तुम्हें कोरोना है तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से लड़ पाएगी, विटामिन डी है, जिंक है, अच्छे से सो तुम, जितनी बढ़िया नींद होगी उतनी उतनी बॉडी रिलैक्स रहेगी, उतना अच्छे से लड़ पाएगी। तो यही कुछ प्रिकॉशंस नहीं बोल सकते, यही कुछ चीजें हैं जो कि तुम कर सकते हो अगर तुम कोविड से अफेक्टेड हो। दूसरा है कि तुम हवा को आने जाने दो ताकि तुम्हारे घर के दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो, जितना एयर फ्लो अच्छा रहेगा तो वह वायरस के पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे, और बाहर चले जाएंगे तो गर्मी में उनके बाहर जो एक लेयर होगा ना पानी का, अपना जो भी क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ड्रॉपलेट होगा, वो सूख जाएगा और वायरस मर जाएगा जल्दी, इनएक्टिव मर जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, वायरस जिंदा मुर्दा कुछ नहीं होते, उनको होस्ट चाहिए होता है। हाँ ठीक है, समझ गया। तो यही कुछ म्यूटेशन की बातें हैं जो कि ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी कुछ अपने पास ज्यादा डेटा नहीं है, हो सके उतना कोरोना से बचो, उसको होने ही मत दो, उसको ज्यादा ग्रांटेड मत लो कि ठीक है हो जाएगा तो इम्यूनिटी लड़ लेगी, अरे जब तक है तब तक बचाओ ना अपनी इम्यून सिस्टम को, क्यों लड़ाना है ऐसे। बहुत सारे लोगों को डैमेज हो चुका है लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में, हार्ट और लंग्स का बहुत ज्यादा है इसमें कोरोना के बाद, तो ये मत समझो कि हम रिकवर हो गए तो कुछ मतलब और नहीं होगा, मतलब काफी सारे लोगों को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्लस लंग्स पर्टिकुलर डैमेज हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के, तो हो सके उतना ये तो काफी सारे लोगों में दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उनमें नजर आ रहे हैं कि मतलब कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका जो असर है वो रह जा रहा है बॉडी पे, काफी लोगों में ऐसा देखा गया। फिर उसके बाद विटामिन डी की तो हमने बात कर ही ली कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और स्लीप भी कितनी इंपॉर्टेंट है, जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, जिंक का भी कुछ सप्लीमेंटेशन का कुछ चल रहा है, जिंक भी अच्छा है। फिर अपने ठीक है, और किस पे कुछ, यही है म्यूटेशन। और तुम्हें डिटेल चाहिए तो एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज है कोरोना वायरस की, देख लेना, मैंने नहीं देखी। कौन सी है भाई सीरीज? नेटफ्लिक्स कोरोना वायरस एक्सप्लेन्ड भाई आ भी गई कब? अप्रैल में ही आ गई भाई, अप्रैल या मार्च में ही, मई में, अप्रैल मई के अराउंड ही आ गई थी, सॉरी एक साल हुआ ही है तभी आ गई थी, और उन्होंने वो समझा भी दिया था सब कुछ कि कैसे वैक्सीन बन रही है ये सब कुछ है। चल भाई उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन जल्दी जल्दी आए और हेल्दी साबित हो और जल्दी से खत्म हो यार कोरोना वायरस, दुनिया वापस थोड़ी नॉर्मल पे आए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी पर, अपनी तो कितनी GDP -23 के आसपास चली गई थी, पहले से ही माइनस में चल रहे थे और माइनस में चली गई, -23 भाई क्या है मतलब, पहले तो माइनस में नहीं, पहले कितना 3 या 4 थी शायद, 4% पे थे अपन ना, 4% अरे मतलब डिक्रीज हुई थी ना, हुई नेगेटिव थी ना, मतलब हुई नेगेटिव है, मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं, मतलब तू समझ गया ना कैसे मैं बोल रहा हूँ, कम हुई थी और मतलब कम हो रही थी, और अभी बहुत तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत सारे पड़े हैं, फटाफट कोरोना वोरोना चले जाए, वैसे तो सारे काम चालू हो चुके हैं एकदम नॉर्मली, सब कुछ हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोरोना से, इंडिया तो मूव ऑन कर चुका है अपने कोरोना वोरोना से, कुछ है ही नहीं भाई कोरोना जैसा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी कंस्पिरेसी थियरीज है, कुछ नहीं है भाई कोरोना, चाइना ने भेजा है वायरस, उन्होंने लैब में बनाया था और फिर मतलब हो सकता है, नहीं वैसे नहीं हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता है, पर ठीक है, पता चला भाई अपने को गालियां पड़ी फिर इस बारे में, ये देखो कॉन्स्पिरेसी थियरीज को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, जो भी है बस यही है कि तुम्हें वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी है उसके पहले थोड़ा रिसर्च कर लो,
हमारे हिसाब से तो नहीं बताऊंगा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कि वैक्सीन वैसे तो है, तो भाई मैं एंटी वैक्सर नहीं हूँ, बिल्कुल वैक्सीन लेनी ही चाहिए, वैक्सीन बहुत सही है, पर हमें शायद एमआरएनए में थोड़ा स्केप्टिक रहना चाहिए कि एमआरएनए बेस्ड मैं जो भी है। स्केप्टिक हूँ, मैं तो भाई बोलूंगा कि इस टाइम पे तो मैं स्केप्टिक हूँ। एटलीस्ट मुझे कुछ साल तो वेट करूंगा, 1 साल 2 साल वेट करना ही पड़ेगा। अगर रिजल्ट दिखाना चालू कर देती तो अलग बात है, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा होगा तो फिर। अगर लेकिन अप्रूव्ड अगर भाई इतना लिखा हुआ आ जल्दी जाए, थप्पा लग जाए अप्रूवल का, तो अपने लिए सेफ है बिल्कुल। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी वो हैं 60+ लोग हैं, उन सबको तो दिलाई दो उनको वैक्सीन तो मेरे लेनी हिसाब चाहिए, से, बिल्कुल उनको सही लेनी बात ही है। चाहिए, क्योंकि कुछ ना से कुछ अच्छा है, मतलब कुछ है वो अच्छा है, मतलब किस समझ। और मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं साइड इफेक्ट्स होने के भी, बहुत कम हाँ चांसेस, बहुत बहुत कम। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं भाई, बट साइड इफेक्ट्स हो, ऐसे साइड इफेक्ट से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमें जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, फटीग वटीग, हेड एक, मसल एक, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नर्वस जो सिस्टम डिसऑर्डर अगर कोई हो तो वो सब चीजें हैं वो रिस्की है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो एमआरएनए है या फिर डीएनए, वो अपने डीएनए के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अपने डीएनए में अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ कंस्पिरेसी थियरीज फैल रही हैं, पर उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, थोड़ा स्केप्टिक रहें। ये नहीं बता रहा कि ये नहीं बोल रहा कि स्केप्टिक मत रहो, क्वेश्चंस मत करो। सही बात है भाई, लेट्स होप जल्दी जल्दी जाए कोरोना। फटाफट कोरोना खत्म हो जाए और दूसरी बार ऐसा कोई पेंडेमिक ना आए, उससे पहले ही हम रेडी रहें। हाँ, और हमें ऐसा टॉपिक डिस्कस ना करना पड़े और ऐसे गर्वित वापस। भैया एकदम क्या स्लीपी मोड में आके एकदम बोरिंग सा बात ना करें, थोड़ा कुछ भाई ह्यूमर। यार भाई बहुत दूसरी बार सेम चीज इसका, मैं बहुत बोर हो गया भाई सही में। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सही में मतलब आया था, मैं अच्छे मूड से आया था, मैं अच्छे इंटेंशन से आया था पूरा, कि करेंगे आज डिस्कस करेंगे और भी दो चार चीजें डिस्कस करेंगे, मुझे सुन मस्त सुन के मस्त वो हो गया, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले, वो खत्म कर कर देना देते हैं, थोड़ा भाई। बता देते हैं कुछ कि अगर ये डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सारे काम कर दें, वही घंटी वंटी भाई बजा ऐसा लें। बोल कि अगर ये डिस्कशन पसंद ना आया हो तो लाइक करे सब्सक्राइब करे, ये अगर ऐसा बोरिंग बोल भाई, लगा हो तो कर दें। लाइक और सब्सक्राइब। चलो ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।